नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं हम आंसर दो पैसा जीतो कॉन्टेस्ट का दूसरा वीडियो इस वीडियो के लिए आप सभी उत्सुक थे हमें पता है अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए कि हमने जो है पहला वीडियो देखा है इस वीडियो के अंदर जो है आपको टोटल नौ सौ रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा जिसको आप जीतकर कर आपके लिए जो है जो भी स्टडी मटेरियल है वो इजीली में खरीद सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और कमेंट से हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ेगा इसका मींस है कि हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे यदि आप सभी के सहयोग से आज का ये जो वीडियो है हज़ार व्यूज जो है गेट कर लेता है गैन कर लेता है तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की पीडीएफ बनाकर जो है नीचे अपलोड कर दी जाएगी तो आप सभी का सहयोग बनाएं इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उससे उतना ज़्यादा है जो लोगों के साथ ज़्यादा इसको शेयर करें तो इस वीडियो में जो है इस प्रतियोगिता को हम शुरू करें इससे पहले आप नियम ज़रूर जान लें क्योंकि अगर इस नियमों के हिसाब से आप नहीं चले तो आज आप जो है इसमें जो है पैसे जीतने से वंचित हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला इसका नियम है इस प्रतियोगिता में इंडिया जी के राजस्थान जी के रीजनिंग जनरल साइंस कंप्यूटर साइंस मैथ और इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं से जो है क्वेश्चन पुट अप होते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन अप होते हैं चलिए दूसरा आपका नियम है इस प्रतियोगिता में पूछा गया प्रत्येक प्रश्न आपका छः रुपये का होगा ध्यान रखिए इस बार भी आपका जो है प्रश्न छह रुपए का रखा गया है आप सभी की फुल डिमांड पर तीसरा नियम है हमारा कि पूछे गए प्रश्न का जवाब दिए गए समय के दौरान ही देवें जो प्रतिभागी सबसे पहले और सही जवाब देगा वही पैसे जीतेगा पिछली बार भी प्रॉब्लम आई थी कि जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उसके बाद जो है आप उसका आंसर दे रहे थे तो याद रखें कि जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है उसके साथ ही आप ही शुरू हो जाएं इस वीडियो को देखना ताकि आप इस वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही चलते रहें अगर पीछे रहते हैं तो फिर आपकी गलती होती है चलिए चौथा नियम है इसका प्रत्येक प्रतिभागी को कम से कम इस बार जो है पांच प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा अन्यथा वह विजेता सूची में शामिल नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि इस प्रतियोगिता में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप चाहे अगर इसमें ज्यादा पैसा जीतना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो है इन प्रतियोगिता में से कुल मिला के पाँच प्रश्नों का जवाब देना जरूरी होगा अगर आप इस बार एक क्वेश्चन सही दे के चले गए तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि छः रुपये जो है देने के लायक नहीं रहते हैं तो आपको कम से कम जो है पाँच प्रश्नों का जवाब जरूर देना है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पाँचों आपका नियम है कि इस बार आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि पूछे गए प्रश्न का जवाब देने का तरीका कुछ आपका इस प्रकार होना चाहिएगा पहले आप क्वेश्चन का क्रमांक लिखेंगे और उसके बाद उसका कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी वो लिखेंगे देखिए नीचे आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ इसका कि मैं जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ उसका राइट आंसर डी है तो ये आप कुछ इस प्रकार से आगे लिखेंगे तो प्रतियोगिता के अंदर जो है आपको जो एक विशेष सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ कि आज से जो है रोज रात को आप साढ़े आठ बजे जो है राजस्थान से संबंधित प्रश्नों के ऊपर जो है डेली डोज आपको मिल जाया करेगा और आज रात साढ़े आठ बजे जो है राजस्थान के त्योहरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आ रहा है तो उसे भी जरूर देखें वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है उसके ऊपर रिमाइंडर जाके आप ऑन कर देवें तो इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं तो चलते हैं अपन राजस्थान जीके के प्रश्नों की तरफ और राजस्थान जीके के अंतर्गत आपके लिए पहला प्रश्न है रियासत से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई ऑप्शन ए 5 जुलाई 1947 ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1947 ऑप्शन सी 10 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकेंड के अंतर्गत आपको अपने प्रश्नों का आंसर देना है और आपका समय समाप्त होता है और इसी के साथ आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन सही है पाँच जुलाई 1947 सौ ईस्वी को पाँच जुलाई 1947 सौ ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की गई ताकि सभी को जोड़ करके सभी का एकीकरण करके संपूर्ण भारत को बनाया जाए नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं तो आपके इस जबरदस्त कॉन्टेस्ट के अंतर्गत अपने नसीब को आजमाइएगा और बढ़ते हैं अपन अपने, अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तंत्र वाद्य नहीं है ऑप्शन ए चौतारा ऑप्शन बी रवाज ऑप्शन सी सतारा और ऑप्शन डी है जंतर आपका समय शुरू होता है अब इन चारों ऑप्शन में से वह बताना है कि तंत्र वाद्य नहीं है जो दो प्रकार के वाद्य हैं उनमें से तंत्र वाद्य नहीं है वो बताना है आपका समय समाप्त होता है और आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों सी सतारा के अंतर्गत जो है सतारा तंत्र वाद्य नहीं है यह पटवार परीक्षा 2016 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है अपन बढ़ते हैं अपने राजस्थान जीके के तीसरे प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है शंकर राय कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था जो राजस्थान एकीकरण होता है उस समय ए संयुक्त राजस्थान बी मत्स्य संघ सी पूर्व राजस्थान और डी संयुक्त वृहत्तर राजस्थान आपका समय शुरू होता है अब और इस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको बताना है कि शंकर राय कमेटी ने किस संघ को जो है राजस्थान एकीकरण में मिलाने के लिए खुश किया था राजी किया था और इसी के साथ आपका आंसर जो है वह डी है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बिल्कुल सही है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान के अंतर्गत ही जो है शंकर राय कमेटी ने सिफारिश की थी और इस संघ को बनाने में मदद की थी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न है अपना चार नंबर प्रश्न मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है ए जोधपुर बी चुरू सी उदयपुर और डी है बीकानेर इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है आपका समय शुरू होता है अब यह प्रश्न दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 के अंतर्गत आया हुआ था मात्र एक सेकेंड बचा है आपका समय समाप्त होता है और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बीकानेर बीकानेर के अंतर्गत मथेरन कला जो है प्रसिद्ध है और तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पांचवे नंबर प्रश्न आबानेरी तथा राजोरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन बी चौहान ऑप्शन सी गुहिल सिसोदिया और ऑप्शन डी राठौड़ इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है अपना राइट right आंसर और आपका समय शुरू होता है अब मात्र दस सेकेंड में ही आपका आंसर मान्य होगा अन्यथा अमान्य होगा पहले बाद में दिया गया आंसर मान्य नहीं होगा तो आपका समय समाप्त होता है और आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर है गुर्जर प्रतिहार ए ऑप्शन सही है जो आर टेट लेवल सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न 2016 की परीक्षा का और अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमनाओ के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए और पाते हैं अपन क्विज को छठे प्रश्न के अंतर्गत चलते हैं राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को वहां की सरकार ने बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी है ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन ऑप्शन बी शेखावटी किसान आंदोलन ऑप्शन सी बेंगू किसान आंदोलन और ऑप्शन डी अलवर किसान आंदोलन इन चारों में से आपको सही आंसर देना है और आपका समय शुरू होता है अब पटवार परीक्षा 2011 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न दोस्तों आपका इस प्रश्न का आंसर है वह आंसर है सी बेंगू किसान आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत सेवा संघ के साथ हुए समझौते को वहां की सरकार ने मेवाड़ सरकार ने बोल सेविक संज्ञा दी है इस फैसले को बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो अपने राजस्थान जीके का सातवें नंबर का प्रश्न एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे ए गवर्नर जनरल बी राज्यपाल और सी राजप्रमुख और डी है महाराजा धीराज इन चारों में से आपको आंसर देना है समय शुरू होता है अब सेकेंड ग्रेड जीके 2016 के अंतर्गत आया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों तीन दो एक आपका समय समाप्त होता है और इसका आंसर है सी प्रमुख राज प्रमुख राज माने जाते थे पहले राज्यपाल की जगह और सातवें चरण में राज प्रमुख पद जो है सृजित कर दिया जाता है पहले राज प्रमुख बना दिए जाते हैं इसी के साथ प्रमुख समाप्त हो जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना आठवें नंबर का बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है ए डडीकर बी तिपटिया सी गर्दड़ा और डी है इसवाल समय शुरू होता है इसी प्रश्न का आंसर सही दें जगह पूछी है कौन सी जगह से जिला नहीं पूछा है तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके सामने सी गर्दड़ा सी गर्दड़ा के अंतर्गत बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है हमें प्राप्त होती है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन अभी तो तोलना है आसमान और आसमान बाकी है आसमान की तरफ चलते हैं क्विज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर काली बंगा सभ्यता का उद्गम किस स्थल को माना जाता है ऑप्शन ए सौंथी ऑप्शन बी ईसवाल ऑप्शन सी रंग महल और ऑप्शन डी जो है वह है बड़ोपल आपका समय शुरू होता है अब और इस समय के अंतर्गत आप अपने इम्तिहान को दीजिएगा और आपके इम्तिहान का समय इस प्रश्न का समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का सही आंसर ए आता है और वह है सौथी दोस्तों सौथी जो है बीकानेर जिले के अंतर्गत है और ये कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है ध्यान दें दोस्तों अपना जो ये प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर सही है आपका और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है आपका दसवें नंबर का राजपूत राज्यों का उदय किस काल में बताया जाता है काल बताना है आपको ए प्राचीन काल बी मध्यकाल सी पूर्व मध्यकाल और डी है आधुनिक काल आपका समय शुरू होता है अब जिद है मेरी वही आसियां बसाने की बारिश में इरादों से आग जलाने की और अपन जो है जिद के साथ इस प्रश्न का आंसर देते हैं और सी पूर्व मध्यकाल इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है मध्यकाल जो है सातवीं से बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक का जो काल है वह काल राजपूत राज्यों का काल माना जाता है बढ़ते हैं अपन अपने इस क्विज की मंजिल की तरफ और अपना प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था ए जगन्नाथ कच्छावा को बी शाहबाज खां को और सी सुल्तान खां को और डी है मान सिंह को तो आपका समय शुरू होता है अब और इसी के साथ इन चारों प्रश्नों में से आपका सही आंसर दोस्तों प्रश्न और प्रश्न के आगे ए बी सी डी जो भी है वह इसका उत्तर लिख करके देना है और आपका समय समाप्त होता है और प्रश्न का आंसर जो है जगन्नाथ कच्छावा आता है जगन्नाथ कच्छावा को अंतिम प्रयत्न के लिए भेजा था कि आप जाइए और महाराणा प्रताप को हराइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न है बारह नंबर का प्रश्न राणा कुंभा राणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है ए राय पिथोरा बी अभिनव भट्टाचार्य सी राणो रासो और डी हिंदू सुल्तान इनमें से आपका समय शुरू होता है अब इसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट वेरी गुड शाबाश और आपके बारहवें प्रश्न का समय समाप्त होता है और इसका आंसर बिल्कुल सही है ए ऑप्शन ए सही है राय पिथोरा और इस राय पिथोरा के जवाब बहुत लोगों ने सही दिए हैं बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्विज़ की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है अपना तेरहवें नंबर का प्रश्न जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की ऑप्शन ए जसवंत सिंह ऑप्शन बी तकत सिंह ऑप्शन सी अजीत सिंह और ऑप्शन डी मान सिंह इसी प्रश्न का समय शुरू होता है अब दोस्तों पटवार परीक्षा 2016 के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ है और आपका समय समाप्त होता है और इसका आंसर जो है वह डी है मानसिंह मानसिंह जी ने जो है पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर किले के अंतर्गत की है जो चिड़ियानाथ जी की चिड़ियानाथ चूप पहाड़ी पर जो है बना हुआ है इस इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है मानसिंह मंजर धुंधला हो सकता है मंजर धुंधला हो सकता है मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं तो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ए आहड़ उदयपुर बी कालीबंगा गंगानगर सी सुनारी झुंझुनू और डी है गणेश्वर सिक्कर इन चारों में से आपका सही जवाब देना है और सही जवाब के लिए समय शुरू होता है अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 का ये प्रश्न और इस प्रश्न के लिए समय समाप्त होता है और आपका उत्तर है बी कालीबंगा गंगानगर दोस्तों आहड़ उदयपुर के अंतर्गत है कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है गंगानगर के अंदर नहीं आपसे यही पूछा था सही नहीं है तो सही नहीं है कौन सा कालीबंगा गंगानगर क्योंकि ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है और बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपका प्रश्न रहा ये पंद्रवें नंबर का प्रश्न कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है ए जैता कुपा बी जैता नापा सी अत्रि महेश और डी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और विष्णु इनमें से आपको सही जवाब देना है आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों प्रशस्ति किसी राजा के प्रशंसा के लिए लिखी जाती थी और इस प्रशस्ति को लिखने वाले हैं आपके आपके सामने स्क्रीन पे आए हैं अत्रि और महेश बिल्कुल अत्रि और महेश जो पिता और पुत्र हैं उन्होंने इस प्रशस्ति की रचना की थी कीर्ति स्तंभ की रचना की थी अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ राजस्थान जी के का अगला प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्बास खां सरवानी और ऑप्शन डी है बदायूनी इन चारों में से आपका सही आंसर देने का समय शुरू होता है अब समय बचा है पाँच चार तीन दो एक आपका समय समाप्त होता है और इसका आंसर डी आता है बिल्कुल सही है कईयों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अल-बदायूनी अल-बदायूनी जो है इसने अपने आँखों देखा हाल लिखा था इस युद्ध का ये एक इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं इतिहास के अंतर्गत जिद है मेरी वही आशियाँ बसाने की बारिश में इरादों से आग जलाने की हर कोई सिकंदर नहीं होता लोग करते हैं चर्चा उसके अफवा अफसाने की बिल्कुल सत्रवें प्रश्न की तरफ चलते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के जैन दुर्ग जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण तीन अभिलेखों का स्थापना करता कौन है स्थापनाकर्ता में देखें ए जैता बी सोमेश्वर सी जीजा और डी है लोलाक इन चारों में से बताना है आपको तीन अभिलेखों की स्थापना करता कौन है समय शुरू होता है अब दस सेकंड के प्रश्न में सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए कमेंट आना चाहिए और आपका समय समाप्ति की तरफ जाता हुआ समाप्त हो गया आपका समय और आपके प्रश्न का सही जवाब है सी जीजा जीजा जो जैन धर्म का था उसने अभिलेखों की स्थापना करवाई थी कीर्ति स्तंभ के अंतर्गत अपन बढ़ते हैं राजस्थान जीके का नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या अठारह सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है ए मुरीद बी पीर सी वारिस और डी है शेख इन चारों में से आपका आंसर दीजिएगा समय शुरू होता है अब सेकेंड ग्रेड एस एस टी परीक्षा दो हज़ार तेरह के अंतर्गत पूछा गया ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब देने का समय आ गया है वह समय है जवाब है ए मुरीद मुरीद जो है सूफी अनुयायियों को कहा जाता है दोस्तों अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ गया है उन्नीसवें नंबर का प्रश्न राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है ए नाथ द्वारा बी बूंदी सी जोधपुर और डी उदयपुर इन चारों में से आपको अपना सही जवाब देना है ये प्रश्न दोस्तों आर एस लेवल का प्रश्न आर एस प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया समय शुरू होता है अब उल्टी गिनती गिनते हैं दोस्तों पाँच चार तीन दो एक और आपका समय समाप्त होता है और इसका जवाब है दोस्तों नाथ द्वारा आर एस परीक्षा 2016 में पूछा गया था आर पी सी ने भी इसका आंसर ए ही माना है जिसका ना नाम है नाथ द्वारा गु, गुलाबी गणगौर वहीं पे जो है मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को और अपन बढ़ते हैं अपने राजस्थान जीके के अंतिम प्रश्न की तरफ पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल बागोर राजस्थान में कहां पर है ऑप्शन ए जालोर ऑप्शन बी भीनमाल ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी दोस्तों जोधपुर इन चारों ऑप्शन में से आप अपना सही आंसर दें आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों ध्यान देना आपने राजस्थान जीके का अंतिम प्रश्न विनिंग जोन में आप अपना नाम जरूर दर्ज कराएं बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है और सही आंसर इसका सी भीलवाड़ा जो है वह सही आंसर है यह कालीन स्थल है जो राजस्थान में कहाँ पाया जाता था बागोर के अंतर्गत और जिला पूछे तो आपको कौन सा बताना है जालोर दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है तो अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है यह पटवार प्री 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है तो अच्छे से ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्रश्न है औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं उक्त कथन में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है पहला मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है दूसरा बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है तीसरा बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है एंड लास्ट ऑप्शन डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है और आपका समय शुरू होता है अब आपको पूरे 40 सेकंड का समय मिलेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस 40 सेकंड के समय के दरमियान अपना जो उत्तर है वो प्रश्न संख्या लिख के साथ में उत्तर जो सही है वो लिखोगे ये आप गलती ना करें कि डायरेक्ट आप राइट आंसर राइट ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें लेकिन प्रश्न संख्या लिख के कमेंट करें वही आपका काउंट होगा यहाँ पर और इस टाइम के दरमियान दिया हुआ प्रश्न का उत्तर ही काउंट होगा विशेष ध्यान दीजिएगा पहले या बाद में दिया हुआ आंसर मान्य नहीं है और आपका समय अब केवल समाप्त होने की और समय समाप्त और इसका राइट आंसर है डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है तो कंटिन्यू बने रहिएगा साथ में और आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं प्रश्न नंबर दो सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पटवार 2015 में ये भी पूछा जा चुका है ऑप्शन ए कुछ कुत्ते गधे हैं ऑप्शन बी कुछ गधे बैल हैं ऑप्शन सी सभी कुत्ते और गधे बैल हैं या डी उक्त सभी और आपका समय अब शुरू हो चुका है ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप अगर सही तरीके से यूज करें तो बहुत आप अपने एग्जाम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो उस एग्जाम के लिए ये बहुत फायदेमंद प्रश्न साबित हो सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें आपको आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड ही सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपके पास समय कम बचा है जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिखकर उसके बाद उसका राइट आंसर लिखें और उसके पश्चात ही आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना जवाब भेजें अन्यथा आपका उत्तर अमान्य होगा तो इसका राइट आंसर की ओर चल रहे हैं हम और इसका राइट आंसर है डी उक्त सभी यानी इसमें सभी सही है और आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न नंबर तीन एक और शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाला है ये भी पटवार प्री 2015 में आ चुका प्रश्न है ध्यान दीजिएगा सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है उक्त कथन इंगित करता है यानी उक्त कथन किस चीज को इंगित करता है पहला है सरकारी स्कूल में विद्यालय भवन नहीं है ऑप्शन बी सरकारी स्कूलों में अच्छे गुणवत्ता सॉरी अच्छे पुस्तकालय नहीं है ऑप्शन सी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है एंड ऑप्शन डी सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की कमी है और आपको पूरे 40 सेकंड का समय जो अब शुरू हो चुका है जल्दी से अपना आंसर कमेंट माध्यम से हमें दें और जिसका पहले आंसर होगा इस टाइम के दरमियान वही उत्तर मान्य होगा अन्यथा आप इसके बाद या इससे पहले अगर आंसर दे रहे हैं तो आपका उत्तर अमान्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य मित्रों तक इसे शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल भी रही है और आगे और भी मिलेगी और मैं हमेशा ही उम्मीद आप लोगों से करता हूं और वो उम्मीद आगे भी कायम रहेगी आप लोगों के साथ टाइम आपका समाप्ति की ओर है तो इसका राइट आंसर है आपके आंसर नंबर सी इसका ऑप्शन सी राइट है सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है क्लियर आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं प्रश्न नंबर चार और देखिएगा प्रश्न नंबर चार क्या है निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है बेमेल यानी अलग फूल गोभी मशरूम आलू गाजर और बैंगन आपके पास पांच आपको दिए हुए हैं उनमें से बताने हैं कि अलग कौन है फूल गोभी गाजर मशरूम या आलू समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से और ऑप्शन ए फूलगोभी ऑप्शन बी गाजर ऑप्शन सी मशरूम या ऑप्शन डी आलू राइट आंसर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो अच्छे प्रश्न तो मिल ही रहे हैं साथ में आपको और भी पैसे जीतने का जो मौका मिल रहा है वो इस शानदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके पिफाड़ परिक्षेत्र में ये चीज़ नहीं है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए अपने और अपने मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिए समय आपका समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है सी मशरूम इन सब में से अलग है चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर पांच की ओर और, और एक शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाला है प्रश्न पांच है पांच व्यक्तियों क ख ग, ग, व्यक्ति है और एक कोई समूह में बैठे हैं उसमें तीन शर्तें दी गई है जिसमें क ख से छोटा है परंतु ड से लंबा है दूसरी शर्त सबसे लंबा है तीसरी शर्त जो बड़ा वाला ग है वो ख से छोटा और क से लंबा है आपको बताना है उक्त सूचना के आधार पर सबसे छोटा कौन है क ख ग और समय आपका शुरू हो चुका है और इसी समय के दरमियान आप अपना उत्तर हमारे तक पहुंचाएं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा और बहुत ही जल्द आपके कमेंटों की गिनती भी हो जाएगी और परिणाम भी बहुत जल्द घोषित हो जाएगा लेकिन उसके लिए आप अपना कमेंट दे रहे हैं वो सही तरीके से सही माध्यम से दें क्योंकि प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है उसके आगे और उसके पश्चात उसका ऑप्शन लिखिएगा ऑप्शन ए राइट है ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपकी तरफ से जो ऑप्शन सही हो उसका ये माध्यम जो आपको बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलें तो इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है ड और ये पटवार प्री 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है और अब की बार पटवार के एग्जाम में रीजनिंग बहुत बड़ा रोल है रीजनिंग का इसलिए रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से और हाई लेवल के क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए चलते हैं प्रश्न नंबर छः की ओर और, और प्रश्न नंबर छः आपके सामने ये है दिए गए प्रश्न का उत्तर निम्न सूचना के आधार पर देवे उसमें सूचना आपके पास क्या है p प्लस क्यू का अर्थ है p q का पुत्र है p माइनस क्यू का अर्थ है p q की पत्नी है पी इंटू क्यू का अर्थ है p q का भाई है एंड p भाग q का अर्थ है p q की बहन है और अतः a प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा वापस देख लीजिए a प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा ऑप्शन ए सी ए का पिता है ऑप्शन बी सी ए का पुत्र है ऑप्शन सी सी ए का चाचा है एंड ऑप्शन डी सी ए का भाई है समय आपका शुरू हो चुका है पूरे आपको 40 सेकंड दिए जा रहे हैं तो इस समय का उपयोग करके आप अपने 6 रुपए पक्के कीजिए उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में सबसे तेज आंसर देना होगा जिसका कमेंट सबसे पहले और सही कमेंट हमारे तक पहुंचेगा उसको छ रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये पटवार प्री 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है बहु उपयोगी प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूं और आगे भी बहुत शानदार प्रश्न आपको मिलेंगे ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी तैयारी जो जिस एग्जाम की कर रहे हो उसका मूल्यांकन करने का भी बेहद शानदार मौका है तो इसके अंतिम चरणों में इसका आंसर देखते हैं क्या है क्योंकि समय समाप्त हो चुका है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है सी ए का पिता है और आगे के प्रश्न की ओर चल रहे हैं प्रश्न नंबर सात रीजनिंग और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब तो एग्जामों में में प्रश्न नंबर निम्न क्रम में आगामी संख्या क्या होगी आपको एक क्रम दिया हुआ है श्रेणी का उस क्रम में आगामी संख्या क्रम देखिए एक दो चार सात ग्यारह सोलह अब इसमें राइट आंसर अठारह छत्तीस बाईस या पच्चीस और समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दीजिए क्योंकि कमेंट उसी का मान्य है जो पहले प्रश्न संख्या के साथ अपना आंसर भर के हमारे तक पहुंचाएगा पहले या बाद में दिया गया उत्तर अमान्य है और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा आपके पास समय 22 सेकंड पीछे बहुत कम समय बचा है जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने पैसे जीतने वाली जो स्कीम हमारे द्वारा लगाई शुरू की गई है उसमें अपने पैसे छुपे फिक्स करें तो आपके पास केवल और केवल चार तीन दो और एक इसी के साथ आपका समय समाप्त एंड राइट ऑप्शन सी बाईस इसका आगे का ऑप्शन होगा चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ की ओर और, और प्रश्न नंबर आठ में आप देखिएगा क्या है पटवार प्री 2015 में पूछा जा चुका प्रश्न है और प्रश्न है निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी वापस उसी से रिलेटेड तीन छ अठारह बहत्तर इसमें बहत्तर के आगे क्या आएगा तो देखते हैं ऑप्शन ए तीन सौ साठ ऑप्शन बी तीन सौ चौसठ ऑप्शन सी दो सौ अठासी एंड ऑप्शन डी तीन सौ बीस एंड आपका समय शुरू हो चुका है चालीस सेकेंड का समय मिल रहा है और इसी दरमियान आप उत्तर दीजिए हमें ऑप्शन ए है तीन सौ साठ ऑप्शन बी है तीन सौ चौसठ एंड ऑप्शन सी है दो एंड ऑप्शन डी है 320 और सीरीज क्या है तीन छः अट्ठारह बहत्तर आपको इसमें बताना है कि इस पूरी सीरीज़ में इन चारों के बाद में वो कौन सी संख्या होगी जो सही है समय बचा है केवल 10 सेकंड का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य आपका समय समाप्त और राइट आंसर है आपका ए 360 इसके बाद आएगा चलते हैं प्रश्न नंबर आठ की ओर और, और देखेगा एक और रीजनिंग का शानदार प्रश्न इस प्रश्न को भी आप हल्के में न लें क्योंकि ये पटवार परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न हैं प्री एग्जाम 2015 में ये पूछा गया यदि घड़ी की मिनट की सुई बारह पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है तो घड़ी में समय होगा ऑप्शन ए चार बजेंगे ऑप्शन बी पांच बजे का समय होगा ऑप्शन सी तीन घंटे पचास मिनट बाद का समय होगा एंड ऑप्शन डी चार घंटे तीस मिनट के बाद का समय होगा और आपका भी समय इस प्रश्न के लिए शुरू हो चुका है घड़ी वाला प्रश्न और समय भी आपका शुरू हो चुका है तो समय पे इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रश्न संख्या नौ पहले टाइप करें और फिर उसका ऑप्शन ए राइट है तो ए लिखें बी राइट है तो बी लिखें सी राइट है तो सी लिखें एंड डी राइट है तो डी लिखें और आप अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं ताकि आपके आंसर की गिनती हम जल्दी कर सकें अगर आपका आंसर पहले आता है तो आप बिल्कुल विजेता होंगे प्रश्न का समय कम रहा है जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए समय समाप्त हो चुका है राइट आंसर है ए चार बजे एग्जैक्ट टाइम होगा चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और और एक शानदार प्रश्न देखिएगा कोड भाषा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं किसी कोड भाषा में सी एल सी यू डबल टी ए को डी जेड एम बी वी एस यू जेड लिखा जाता है उसी कोड भाषा में एम ए डी आर एस को क्या कैसे लिखा जाएगा राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन आपके सामने है और आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से आंसर दीजिएगा ऑप्शन ए में है एन जेड ई बी क्यू आर एंड ऑप्शन बी है एन जेड ई क्यू आर बी ऑप्शन सी है आपका एन जेड ई क्यू बी आर एंड ऑप्शन डी है एन जेड एन ई जेड क्यू बी आर आपके पास 20 सेकंड बचे हैं जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या लिखकर आगे ए तो ए ए सही है तो ए लिखें बी सही है तो बी लिखें सी अगर सही है तो सी लिखिएगा और डी सही है तो डी लिखिएगा आपके पास कम समय बचा है मात्र दो सेकंड, एक जीरो समय समाप्त और राइट आंसर है सी यानी एम ए डी आर एस को इस भाषा में लिखा जाएगा एन जेड ई क्यू बी आर इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग तेज होना चाहिए अल्फाबेट संपूर्णतः याद होने चाहिए प्रश्न ग्यारहवा आपके सामने राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पर विचार करें डी ए यू एक्स वाई एम पी क्यू वी आर एस एच वी डी वी M, A, K, P, N. इसमें आपको पूछा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाही ओर से छठे स्थान पर शुरू होने वाला प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसके बाहे से तेरहवे अक्षर के बाहीं और छठवा अक्षर कौन सा होगा और समय आपका शुरू हो चुका है ऑप्शन ए में वाई ऑप्शन बी है आर ऑप्शन सी है एन एंड ऑप्शन डी है क्यू और करते हैं इस प्रश्न का हल क्योंकि प्रश्न का हल तो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पर इसमें पूछा गया है कि बाही ओर से छठे स्थान पर शुरू होने वाले प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है प्रतिस्थापन करना है यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा समय दस सेकेंड का बचा है दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक और इसी के साथ आपका समय समाप्त और राइट आंसर है आपका डी चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर बारह की ओर और, और प्रश्न नंबर बारह आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न बारह है यू वी और डब्ल्यू का भाई है एक्स डब्ल्यू की माँ है यू के पिता डब्ल्यू की माँ कौन एक्स एक्स डब्ल्यू की माँ है वाई यू के पिता है तो वाई वी का कौन है वाई वी का कौन है चाचा ससुर पिता या भाई और आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हो तो प्रश्न 12 लिखिए और फिर उसके बाद में ऑप्शन ए राइट तो ए लिखें बी राइट तो बी लिखें सी राइट तो सी लिखें डी राइट तो डी लिखें राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब एग्जामों में कर भी रही है और आगे भी करेगी इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं आपको बहुत शानदार चीजें हमारे चैनल से मिलेगी तो इस प्रश्न का समय समाप्त हो चुका है एंड राइट आंसर है सी पिता चलते हैं तेरहवें प्रश्न की ओर और, और एक शानदार प्रश्न राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया तेरहवा प्रश्न है यदि पी का तात्पर्य प्लस है एक्स का तात्पर्य इन है डी से तात्पर्य भाग है और एम से तात्पर्य माइनस है तो सात एक्स वो देखिएगा सात उधर है एक्स बारह डी चार पी एम पांच बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा ऑप्शन ए बाईस ऑप्शन बी माइनस बाईस ऑप्शन सी उनतीस एंड ऑप्शन डी माइनस उनतीस समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना आंसर और उसके लिए आपको प्रश्न तेरह लिख के उसके बाद अपना ऑप्शन ए है तो ए लिखें बी है तो बी लिखें सी है तो सी लिखें और डी है तो डी लिखें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने उन मित्रों तक ज़रूर शेयर करें जिनके लिए चीज़ें काम की हैं क्योंकि ये चीजें हर एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपको एक बहुत शानदार क्विज मिला है उस क्विज के माध्यम से पैसों के साथ साथ आपके नॉलेज को भी आपको चेक करने का अच्छा मौका मिला है तो आपका समय समाप्ति की ओर है और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऑप्शन किसका है राइट ए ऑप्शन नंबर ए बाईस राइट आंसर चलते हैं चौदहवें प्रश्न की ओर और, और चौदहवा प्रश्न है कृष्णा उत्तर की ओर तीस मीटर गया फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला फिर वह वहाँ, वहाँ से दही और मुड़ा और फिर 40 मीटर चला अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी तीस ऑप्शन सी दस एंड ऑप्शन डी चालीस समय आपका शुरू और जल्दी से कमेंट करें कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर भेजें क्योंकि कमेंट के माध्यम से भेजा गया उत्तर और सबसे पहले भेजा गया उत्तर उसी का मान्य होगा जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बहुत शानदार प्रश्न अभी तक आपके सामने आए हैं और जो छः प्रश्न बाकी है वो और भी इससे भी शानदार प्रश्न और हंड्रेड परसेंट वादा है कि नेक्स्ट क्विज में और भी शानदार प्रश्न आपके सामने होंगे और भी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने होंगे जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए हमें और आंसर दे के अपने छह रुपए जीतने वाली जो आप जिसके लिए यहां बैठे हो वो चीज सुनिश्चित करें आपका समय समाप्त और राइट आंसर है आपका सी दस आगे वाले प्रश्न नंबर पंद्रह की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर पंद्रह आपके सामने है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है वो 45 डिग्री दाहिनी घूमता है दाहिने घूमता है पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है तत्पश्चात दो सौ सत्तर डिग्री बाहें घूमता है अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है ऑप्शन ए दक्षिण ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी पश्चिम एंड ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम समय शुरू हो चुका है इस समय के अंदर ही आपको आंसर देना है यानी इस समय के दरमियान पहले वाला उत्तर गिनती में नहीं है इसके बाद वाला समय के पश्चात दिया हुआ उत्तर भी गिनती में नहीं है ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि पहले दिया गया उत्तर और इस समय के पश्चात दिया गया उत्तर दोनों ही मान्य नहीं होगा इस समय के दरमियान और वो भी वही उत्तर मान्य होगा जो आप सभी प्रतिभागियों में जो सबसे पहले उत्तर जिस का आएगा वही वैलिड आंसर होगा तो समय कम रहा है और जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पाँच तीन दो एक जीरो और समय समाप्त राइट आंसर है आपका डी यानी दक्षिण पश्चिम की ओर उसका मुख होगा चलते हैं प्रश्न नंबर सोलह की ओर और, और एक शानदार प्रश्न देखिएगा राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है प्रश्न सोलह है चार मित्र वर्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे राम का दाही तरफ राम के दाही तरफ शंकर बैठा था और अरविंद के दाही तरफ गोपाल बैठा था निम्न में से कौन सा युगल युगल यानी जोड़ा खेल का भागीदार था समय भी शुरू हो चुका है ऑप्शन में आपको सुना देता हूं ऑप्शन ए है राम और अरविंद ऑप्शन बी है गोपाल और शंकर ऑप्शन सी है राम और शंकर ऑप्शन डी है गोपाल और राम इन चारों में से वो कौन सा युगल है जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न की कंडीशन इसके अंदर फॉलो हो सकती है ज्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट माध्यम से कमेंट करें अगर आप इस प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है आगे वाली प्रतियोगिता आपके लिए और भी मौका बन के आएगी क्योंकि बार बार पीछे अपन नहीं रह सकते 100 परसेंट आपको भी ये चीज़ मालूम है कभी ना कभी एक बार अपन सही करेंगे और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है और राइट आंसर है आपका डी गोपाल और राम चलते हैं प्रश्न नंबर सत्रह की ओर और, और मैं हर बार कहता हूं प्रश्न को जो समय शुरू हो तभी दिया गया आंसर मान्य होगा गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम की मेरिट में ऊपर से नौवा स्थान प्राप्त करता है नीचे से उसका स्थान अड़तीसवा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न ऑप्शन ए 45 ऑप्शन बी 46 ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अड़तालीस समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए और उत्तर देने का तरीका क्या रहना चाहिए प्रश्न नंबर सत्रह लिखें कमेंट बॉक्स में उसके बाद उसके आगे लिखें अगर ए राइट है तो ए लिखिएगा बी राइट है तो बी लिखिएगा सी राइट है तो सी लिखिएगा और अगर डी राइट right है तो डी लिखिएगा आपके पास मात्र 18 सेकंड पीछे बचे हैं जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आंसर दूंगी तो आपको नो no डाउट पैसे 100% परसेंट जीतने का मौका मिलेगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में बहुत जल्द भेज दिए जाएंगे क्योंकि विजेता की सूची भी बहुत जल्द जारी होगी आपका परिणाम इसका परिणाम देखते हैं इस प्रश्न का समय समाप्त हो चुका है राइट आंसर है इसका बी चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन प्रश्न नंबर अठारह की ओर और।, और एक शानदार प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़ा ही सिंपल यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा आपका समय भी शुरू हो चुका है और ऑप्शन में अब बोल रहा हूं ऑप्शन नंबर ए रविवार ऑप्शन नंबर बी शनिवार ऑप्शन नंबर सी बृहस्पतिवार एंड ऑप्शन नंबर डी मंगलवार जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देने का तरीका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो चीज़ ही अप्लाई करे तभी तो ही आपका उत्तर मान्य होगा अगर आप उस तरीके से आंसर नहीं देते हो और तो आपका आंसर 100 परसेंट रीजनिंग के लिए मान्य नहीं होगा विशेष ध्यान दे दीजिएगा आपके पास केवल दस सेकेंड नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक और समय समाप्त राइट आंसर है इसका ए रविवार तो चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर और, और प्रश्न नंबर है आपका 19। पूछा जा चुका है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में प्रश्न 19 है निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें यानी आरोही या अवरोही क्रम आपको इस ऑप्शन में चेक करना है एक है छाती दो है ललाट, तीन है पैर पे, पेट चार है कान पाँच है पैर छः है ठोडी ऑप्शन ए में आपके पास ऑप्शन है समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए ऑप्शन ए में है एक दो चार छः तीन पाँच ऑप्शन बी में है दो चार पाँच छः एक तीन ऑप्शन सी में है आपका दो चार छः एक तीन पाँच एंड ऑप्शन डी एक चार दो छः तीन पाँच समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है जल्दी से आंसर दीजिए और हम उन्नीसवें प्रश्न में हैं इसके बाद आपको लास्ट प्रश्न नंबर बीस मिलेगा और उसी के साथ रीजनिंग का क्विज़ आपके यहीं पे खत्म होगा तो जल्दी से आप आंसर दें अपना ऑप्शन कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं और इसी के साथ आपके प्रश्न नंबर उन्नीस का समय समाप्त होता है राइट आंसर है आपका सी चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और, और अंतिम प्रश्न से पहले दो लाइन आप लोगों के लिए आप तब तक मेहनत करते रहें जब तक कि आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल दे ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है और इसको अपने जीवन में अनुसरण करवाएं बहुत इफेक्ट आपको मिलेगा प्रश्न नंबर बीस अंतिम प्रश्न राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया घड़ी से रिलेटेड है एक दर्पण में एक गड़ी ग्यारह बजकर बीस मिनट प्रदर्शित करती है तो समय क्या हुआ यानी समय प्रदर्शित हो रहा है दर्पण में वास्तविक समय बताइए घड़ी का ऑप्शन ए बारह बजकर चालीस मिनट ऑप्शन बी ग्यारह बजकर बीस मिनट ऑप्शन सी आठ बजकर पचास मिनट एंड ऑप्शन डी दस बजकर बीस मिनट आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर हमारे तक भेजें करना कुछ नहीं है पहले आप प्रश्न संख्या बीस लिखें उसके बाद राइट आंसर ए है तो ए टाइप करें बी सही है तो बी टाइप करें सी सही है तो सी टाइप करें और डी सही है तो डी टाइप करें अगर आप इस टाइम के दरमियान 40 सेकंड में ही अपना उत्तर देते हो और सबसे तेज़ उत्तर देते हो तो ही आपका मान्य आंसर होगा और आपको आपका इनाम मिल जाएगा और विजेता की सूची जारी होगी उसमें स्वाभाविक है आपका नाम होगा लेकिन अगर आप उससे पहले या बाद में आंसर देते हो तो आपका आंसर अमान्य होगा इसी के साथ आपका समय समाप्त और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारह बजकर चालीस मिनट तो आगे वाले क्विज के लिए तैयार हो जाएं नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन क्विज में मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल साइंस के क्विज यानी क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्टार्ट होगा साइंस की क्विज है जिसमें से आपके बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस में आपके सामने पहला क्वेश्चन है तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है ऑप्शन ए है परमाणु ऑप्शन बी आपको मिला है न्यूट्रॉन ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी प्रोटॉन चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन को सही करना है आपका समय शुरू होता है अब सेकंड रहे हैं शेष तो समय हुआ समाप्त इसका सही आंसर है परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतीकण है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतीकण है ऑप्शन ए मिला है आपको इलेक्ट्रॉन दूसरा मिला है प्रोटॉन ऑप्शन तीसरा मिला है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन मिला इनमें से कोई नहीं चार ऑप्शन दे रखे हैं जल्दी से जवाब दीजिएगा आपका समय शुरू हुआ है अब दस सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतीकण है आपका समय हुआ समाप्त इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसका प्रतीकण है पोजिस्ट्रॉन का मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर है आपके लिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है ऑप्शन ए है हाइड्रोजन ऑप्शन बी मिला है आपको यूरेनियम ऑप्शन सी मिला है पोलोनियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपका समय शुरू होता है अब दस सेकेंड में जवाब दीजिएगा हाइड्रोजन यूरेनियम पोलोनियम इनमें से कोई नहीं सबसे ज्यादा समस्तानिक कौन से तत्व के है आपका समय हुआ समाप्त इसका आंसर है पोलोनियम के 27 समस्तानिक है कितने समस्तानिक है 27। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं सर्वाधिक समस्तानिक वाला परमाणु है पोलोनियम अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की चार ऑप्शन है आपके सामने डोल्टन रदरफोर्ड मैडम क्यूरी और हेनरी बैकुरल ने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेनरी बैकुरल ने चार क्वेश्चन हमने कर लिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं साइंस का क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है ऑप्शन ए हीलियम क्रिप्टॉन रेडॉन और आर्गन चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक और एक कौन सी गैस है निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है आपका समय हुआ स्टार्ट दस सेकंड में जवाब दीजिएगा और साथ में प्रश्न भी दीजिएगा पांचवें में कौन सा आंसर है वो बताइएगा ए बी सी डी में से आपका समय हुआ समाप्त इसका राइट आंसर है हीलियम गैस कौन सी हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जो गोताखोर समुद्री गोताखोर भी ले जाते हैं मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर ये रहा आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालेंस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है ऐसी कौन सी गैस है जो समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके ले जाते हैं समुद्री यात्रा के दौरान पहला ऑप्शन है मैथेन नाइट्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन चार ऑप्शन है चारों में से एक आपका समय हुआ स्टार्ट दस सेकेंड में जवाब दीजिएगा मैथेन नाइट्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन ऐसी कौन सी गैस है जिनका मिश्रण ऑक्सीजन के साथ ले जाया जाता है आपका समय हुआ समाप्त इसका राइट आंसर है हीलियम गैस जो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है अठारवे वर्ग की है जिसे बोला जाता है नोबल या निष्क्रिय गैस आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सातवा क्वेश्चन बोना एस में होता है बोनाइस में क्या होता है कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन ए ऑप्शन बी है एसिड यानी अम्ल ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइफो चार ऑप्शन में से आप जवाब दीजिएगा आपका समय शुरू हुआ अब दस सेकंड के समय में आपको कौन सा राइट है जैसे सातवें में ए है तो ए दीजिए सातवें में बी है तो बी लिख के कमेंट कीजिएगा आपका समय हुआ समाप्त इसका राइट आंसर है साथियों सी कैल्शियम फास्टफेट इसमें ऑप्शन में एक अम्ल भी दे रखा है शार होता है अम्ल होता है जो जली विलियन में कौन सा आइन देता है एच प्लस आइन देता है मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है यानी ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी नहीं है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन बी मैथेन ऑप्शन सी डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है चार ऑप्शन और आपका समय शुरू हुआ अब इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं होती है तो आपका समय शेष बचा है समय हुआ समाप्त इनका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन जो एक अक्रिय गैस नहीं है नाइट्रोजन के औक, नाइट्रोजन के परमाणु की परमाणुता परमाणुता पूछ ले तो उनकी दो होती है मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके स्क्रीन पे ये रहा चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है यानी चूहे मारने की दवा कौन सी है जो मार्केट में मिलती है क्या जिंक ऑक्साइड नाइट्रेट नाइट्रेट या डी ऑप्शन है जिंक फॉसफाइट चार ऑप्शन दे रखे हैं आपका समय शुरू हुआ अब दस सेकेंड में जवाब दीजिएगा इनमें से चूहे के विष का रासायनिक नाम है यानी चूहे मारने की दवा कौन सी है नाइट्रेट है या जिंक ऑक्साइड या जिंक फास्फाइट आपका समय हुआ समाप्त इसका राइट आंसर है जो आपके स्क्रीन पे है चार नंबर ऑप्शन जिंक फास्फाइट जिंक फास्टफाइट जो चूहे मारने की दवाओं में उपयोग में लिया जाता है जो मार्केट में उपलब्ध होता है मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर ये रहा आपके स्क्रीन पे ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है पहला ऑप्शन है क्लोरीन ये एक गैस है आयोडीन हीलियम और नाइट्रोजन चार में से आपको बताना है एक ऑप्शन कौन सा राइट है समय हुआ स्टार्ट जैसे दसवें में ए है तो दसवें में ए लिखिएगा बी है तो बी लिखिएगा और सी है तो सी लिखेगा और ऑप्शन डी है तो दस के आगे डी लिखिएगा जिसे हमें आसानी हो आपको लिस्ट बनाने में आपका समय हुआ समाप्त इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन सी हीलियम है जो एक निष्क्रिय गैस है अगर आवर्त सारणी में देखा जाए वर्ग अठारवे तत्व है जो किसी के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं यानी इसे निष्क्रिय बोला जाता है मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है देखिएगा साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है ऑप्शन ए इथाइल एल्कोल ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोल ऑप्शन सी है स्प्रीट और ऑप्शन डी है गिल्सरोल आपका समय हुआ सरु दस सेकेंड में जवाब दीजिए ग्यारहवें में कौन सा ऑप्शन सत्य है यानी ए बी सी डी चार में से एक बताना है जो इसका सही आंसर है आपका समय हुआ समाप्त इसके राइट आंसर आपके सामने उपलब्ध है डी जो होता है साबुन के अंदर पारदर्शी आपने महंगे साबुन देखे होंगे वो पारदर्शी होते हैं तो किसके कारण होते हैं के कारण होते हैं है। और एग्जाम में पूछा जा सकता है साबुन के निर्माण में उनके साथ उत्पाद कौन प्राप्त होता है यानी साथ में प्राप्त होता है गिल्सरोल आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है यानी कौन सा अम्ल होता है जो बैटरियों में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं आपका समय शुरू हुआ अब 10 सेकेंड में जवाब दीजिएगा बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है ऑप्शन ए बी सी डी में से एक बताना है आपका समय हुआ समाप्त और इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग आभूषणों को शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की परमाणुता सात होती है और अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पे है ऊन तंतु का विकल्प क्या है ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी नाइलॉन ऑप्शन सी पीवीसी ऑप्शन डी एक् एक चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है जो ऊन का तंतु है आपका समय शुरू हुआ अब 10 सेकंड में बताइएगा जल्दी क्या नाइलॉन है पीवीसी है या एक्रिलो नाइलॉन जो ऊन का विकल्प क्या है आपका समय हुआ समाप्त और सही आंसर आपके स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन ये जो नाइलॉन है नाइलॉन 66 सिक्स एक कृत्रिम बहुलक है जो हेक्सामेथिलीन मैथिलीन और एडिपिक अं...

या, है, या निकल है या सीसा या कोबाल्ट यह हानिकारक क्यों होता है आपका समय हुआ समाप्त इसका सही आंसर शीशा. क्या होता है शीशा, इसे या लेड भी कहते हैं एग्जाम में पूछ लिया जाता है शीशा पेंसिल में शीशा प्रतिशत मात्रा तो अक्सर स्टूडेंट कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं लेकिन एक्चुअली में देखा जाए शीशा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है कौन होता है ग्रेफाइट और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे धर्म किसका यूनिट है ऑप्शन ए उष्मा ऑप्शन बी ऊर्जा ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी है गति चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है समय हुआ स्टार्ट दस सेकंड के अंदर बताइए धर्म किसका यूनिट है उष्मा ऊर्जा द्रव या गति का तो आपका समय हुआ समाप्त और सही आंसर जानिएगा क्या है डी सॉरी ए उष्मा का इकाई है थर्म थर्म की इकाई उष्मा मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं उष्मा का इकाई है थर्म अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है सोलह क्वेश्चन आपके लिए साइंस का क्विज़ में ऊर्जा का गति का या उष्मा का या द्रव का चार ऑप्शन में से बताना है दस सेकंड आपको मिले हैं जल्दी कीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ऊर्जा गति ऊष्मा या द्रव ऊर्जा गति ऊष्मा या द्रव आपका आंसर सही आंसर है ए किसका इकाई है ऊर्जा का अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सत्रवा मायोफिया का दूसरा नाम क्या है यह क्वेश्चन आपके रीट में पूछा गया है आपका समय हुआ स्टार्ट दस सेकंड में जवाब दीजिएगा ऑप्शन ए है दूरद्रष्टि ऑप्शन बी है समीप दृष्टि ऑप्शन सी है नेत्रिका और ऑप्शन डी है नेत्र दोष मायोफिया का दूसरा नाम क्या है आपका समय हुआ समाप्त और इसका सही आंसर है समीप दृष्टि से संबंधित है माओफिया और इसी से रिलेटेड आता हाइपर माओफिया वो होता है दूर दृष्टि से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन आपका समय हुआ स्टार्ट दस सेकेंड में बताइएगा ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हीलियम नियोन आर्गन या क्रिप्टॉन ये सभी अक्रिय समय हुआ समाप्त इसमें से जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वह है आर्गन यानी यह एक निष्क्रिय गैस है जो चारों ऑप्शन थे वो चारों के चारों निष्क्रिय है यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं इनका अष्टक अष्टक पूर्ण पूर होता है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं जो आपके सामने स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव का गुण नहीं दर्शाते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन है, है यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम और जर्कोनियम समय शुरू हुआ दस सेकेंड यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम और जर्कोनियम चार ऑप्शन में बताना है जो रेडियो एक्टिवता का गुण नहीं दर्शाता है आपका समय हुआ समाप्त इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्कोनियम मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं लास्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है बारूद का आविष्कार किसने किया था चार ऑप्शन है रोजर बेकन कोल्ट ने सी रमन ने डॉक्टर गोटिन ने चार ऑप्शन में से आपका समय स्टार्ट हुआ दस सेकंड में जल्दी जवाब दीजिएगा ऑप्शन ए रोजर बेकन ऑप्शन बी कॉल्ट ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी गैटिंग ने आपका समय हुआ समाप्त और ऑप्शन ए है रोजर बेकन तो वेट कीजिएगा अगला क्वीज जल्दी तो शुरू करते हैं अब हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को आपके लिए कंप्यूटर साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है पहला प्रश्न है आपका विंडोज एम ई में एम ई -E से क्या शब्द बनता है या एम ई -E का क्या अर्थ होता है ऑप्शन ए है आपका मिलेनियम ऑप्शन बी है आपका मल्टी एक्सपर्ट ऑप्शन सी आपका रोम या ऑप्शन डी है आपका माइक्रो एक्सपर्ट इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए ठीक है कमेंट कैसे देना है आपको सबसे पहले लिखना आपको क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है पहला क्वेश्चन इसमें से राइट right आंसर कौन सा है डी उसमें से जो भी आपका सही है वो लिख के एंटर करें ऐसे क्वेश्चन ऐसा अगर आप कमेंट करेंगे आंसर देंगे तो ही वो मान्य होगा क्योंकि आप ए बी सी डी कर देते हैं उसमें से कौन सा राइट है किसी को पता ही नहीं चलता है तो ये आपको विधि फॉलो करनी है चलिए इसका राइट right आंसर है आपका ए मिलेनियम यानी विंडोज एम में एमई का तो होता है मिलेनियम चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है यानी एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप जो कि कंप्यूटर को बताएगा कि आपको कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है कैसे करना है कब करना है तो उसको क्या कहते हैं पहला कंपाइलर बी मेंटर सी इंस्ट्रक्टर और डी प्रोग्राम इसमें से जो भी आपका राइट right आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका समय शुरू होता है अब इन दस सेकेंड के दौरान आपको जो है आपका राइट right आंसर है जो नीचे नोट डाउन कर देना है ठीक है आपका आपके पास सिर्फ तीन सेकेंड का टाइम रह गए हैं इसमें से फटाफट आपका जो भी राइट right आंसर नीचे लिख दीजिए चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका राइट right आंसर है आपका डी प्रोग्राम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे सामने एफ का पूरा नाम क्या है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यह क्वेश्चन आ चुका है इसमें से पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी है आपका फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल सी आपका फाइल ट्रांस फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल या डी है आपका फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका समय शुरू होता है अब इन दस सेकेंड के दौरान आपको कॉर्नर के अंदर एक घड़ी का समय दिख रहा होगा इसी के दौरान आपको चलना है क्योंकि इसके बाद और इससे पहले दिया हुआ कमेंट यहाँ पे मान्य नहीं होगा चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका राइट आंसर है आपका ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे सामने निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है आपको पता होगा मैंने अपने इस एनवीर एजुकेशन चैनल के ऊपर इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बारे में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था इनपुट कौन सा होता है प्रोसेस कौन सा होता है आउटपुट कौन सा होता है तो अब यहाँ पे वो हेल्पफुल होगा आपका वीडियो तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है ए की बी सर्वर सी प्रिंटर और डी मॉनिटर आपका जो भी सही आंसर है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपका समय शुरू हो चुका है इसलिए इस समय को आप गंवाए नहीं फटाफट इस टाइम लिमिट के दौरान आपको जो राइट आंसर लगता है वो नीचे डाल दीजिए इजी क्वेश्चन है

नाम में HTTP क्या है? जो होती है, उसके नाम में एच HTTP तो आपका होस्ट सी आपका प्रोटोकॉल और डी है आपका वेबसाइट का नाम इनमें से जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लेकिन आपका समय शुरू होता है अब देखिए इस टाइम को आपको गवाना नहीं है इस टाइम लिमिट के अंदर आपको जो है इसमें से जो राइट आंसर बनता है वो नीचे डाउन कर देना लिख देना है आपको चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका सही आंसर है आपका प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स नियमों का एक समूह प्रोटोकॉल कहलाता है एच यानी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद होगा आपको चलिए क्वेश्चन नंबर सात की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर सीपीयू में सी का पूरा नाम क्या है वेरी इजी क्वेश्चन है आपके सामने ए है आपका सेंट्रल बी है आपका कंट्रोलिंग और सी है कंट्रोल और डी है इनमें से कोई नहीं इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे लिख दीजिए आपका समय शुरू होता है अब इन दस सेकेंड के दौरान आपको जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे आपको लिख देना है फटाफट कीजिए आपका जो भी आंसर है आपको नीचे वाले जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है इसमें से सीपीयू में सी का पूरा नाम होता है सेंट्रल सीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो मैंने पूछा था कि सी में सी का क्या अर्थ है वो आप लोगों को बताना था जिन्होंने बता दिया बेस्ट ऑफ लग नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आठ आता आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा आप किसी की बोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है ए है आपका रिटर्न की बी है आपका हिट की सी है प्रोग्राम की या डी है एग्जीक्यूटिव की इसमें से जो भी आपका राइट right आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब इन दस सेकेंड के दौरान आपका जो भी राइट आंसर है वो नीचे लिख दीजिए और अगर इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगे वाली जो प्रतियोगिता आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइम टाइम पे पहुंच जाएगा चलिए आपका समाप्त हो चुका है इसका इसका राइट आंसर है डी एग्जीक्यूटिव की यानी जो आपका एंटर बटन होता है वो एग्जीक्यूटिव की के रूप में भी काम करता है क्वेश्चन नंबर नौ के ऊपर चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर नौ निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ए है आपका ब्राउजर बी है लिंक सी प्रिंटर डी सर्च इंजन इसमें से आपका राइट आंसर जो है नीचे लिखना आपका समय शुरू होता है अब आपके पास 10 सेकंड जो है पर क्वेश्चन के ऊपर दिया जा रहा है यानी आप इजीली वे में इसका जो है आंसर नीचे लिख सकते हैं आप अगर इस टाइम लिमिट के दौरान चल रहे हैं या बराबर साथ में चल रहे हैं चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका सही आंसर है सी प्रिंटर यानी ब्राउजर जो है इंटरनेट के पेज इसको लोड करने में सहायक होता है लिंक आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने में काम आती है और लास्ट में डीज जो था सर्च इंजन यानी जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं उनके रिजल्ट को एक्सेस करते हैं चलिए वेब क्वेश्चन नंबर दस के ऊपर दस के ऊपर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दस आपके सामने स्क्रीन के आप ऊपर आ चुका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित हो होगा यह मेमोरी टाइप का क्वेश्चन है ए है आपका के बी कोमा एम बी टी बी या जी बी बी है आपका एम बी टी बी जी बी या के बी सी है आपका जी बी के बी एम बी या टी बी और डी है आपका बी एम बी या TB. इसमें से श्रेणी के अंदर जमाना आपको छोटे से बड़े की और मेमोरी का साइज कौन सा होता है नीचे लिख दीजिए फटाफट आपका समय शुरू होता है अब फटाफट पड़ कीजिए आपके क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिए और इसका फटाफट पड़ क्वेश्चन देखिए आप जो नीचे इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप लाइक इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी साथ में करते जाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा ज्यादा से शेयर कीजिएगा चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका राइट आंसर है आपका डी के बी एम बी जी बी और टीबी इसका राइट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ग्यारह और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर ग्यारह है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है कौन सा है तो इसमें पहला आपका वेब लॉग बी वेब लॉग वेब लॉग सी आपका वेब ब्लॉग या डी इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर नीचे लिख दीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब दस सेकेंड आपके लिए बहुत ज्यादा है इसलिए देख लीजिए आप फटाफट आपका जो भी राइट आंसर होता है नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन का क्रमांक डैश दे उसका सही आंसर है जो आगे लिख के आप एंटर कर दीजिए आपका समय समाप्त हो चुका है इसका राइट आंसर है आपका ए वेब लॉग चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बारह की ओर क्वेश्चन नंबर बारह है आपकी स्क्रीन के ऊपर रिक्त स्थान एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है यानी इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है पहले भी इसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था वहां पर भी आप समझ चुके होंगे चलिए यहाँ पे बता सकते हैं आप ए प्रिंटर बी मॉनिटर सी स्कैनर और डी सी राइट आंसर बता दीजिए आपका समय शुरू होता है अब आपके पास पर क्वेश्चन के लिए दस सेकेंड मिल रहे हैं इजिली वे में आप जो है इसका आंसर नीचे लिख सकते हैं आपके पास समय बहुत कम रहा है चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी स्कैनर यानी प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट उपकरण है यानी इससे डाटा जो होता है आउटपुट आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है बी मॉनिटर यानी इसके ऊपर जो है आपको डाटा दिखाई देता है तो ये आपका आउटपुट हो गया डाटा दिखाता है यानी आपको रिजल्ट दे रहा है लास्ट आपका सीपीयू था तो सीपीयू है जो वो आपका किसका है प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है प्रोसेसिंग करता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब चलते क्वेश्चन नंबर तेरह की ओर क्वेश्चन नंबर तेरह है ई का विस्तृत रूप फुल फॉर्म बतानी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिख लीजिए अपने पास ई इलेक्ट्रॉनिक मेल बी इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉरी ए है आपका इलेक्ट्रिक मेल बी आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल सी इलास्टिक मेल या डी आपका इनमें से कोई नहीं राइट right आंसर नीचे लिख लीजिए आपका टाइम शुरू होता है अब दस सेकेंड के अंदर आपका जो राइट right आंसर बनता है वो नीचे आप क्वेश्चन क्रमांक डैश उसका राइट आंसर लिख के आप एंटर कर दीजिए चलिए आपका टाइम लिमिट समाप्त हो चुका है आपका सही आंसर है बी इलेक्ट्रॉनिक मेल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तैयार रहिए क्वेश्चन नंबर चौदह है आपके सामने वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है तो ए है आपका होम पेज बी है ब्राउजर पेज सी आपका सर्च पेज और डी है बुकमार्क इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए आपका समय शुरू होता है अब नीचे आपका क्लॉक टाइम जो है आगे से आगे बढ़ रहा है आपके पास सिर्फ पांच सेकंड का समय है आपका जो भी राइट आंसर है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए चलिए आपका टाइम जो है खत्म हो चुका है इसका राइट आंसर है ए होम पेज चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपकी स्क्रीन के ऊपर है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं यानी आप जब टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लिंकिंग पॉइंट आपके सामने आता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए है आपका ब्लिंकर ऑप्शन बी कर्सर ऑप्शन सी आपका कोजर ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं आपका जो भी राइट right आंसर है वो नीचे आप काउंट डाउन के अंदर लिख दीजिए आप आपके पास सिर्फ सात सेकेंड का टाइम बचा है फटाफट आपका इसका जो भी राइट right आंसर है वो नीचे आप लिखते जाइए चलिए आपका इसका टाइम लिमिट समाप्त हो चुका है इसका राइट right आंसर है नीचे देखिए आप बी कर्सर यानी जब आप टाइपिंग करते हैं तो उसके दौरान आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो डॉट ब्लिंकिंग आता है उसको हम जो है कर्सर के रूप में जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है सोलह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सी आर एम का क्या अर्थ है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका कोई है सेक्टर तो आप इसका आंसर दे पाएंगे ऑप्शन ए आपका कस्टमर रिलेटिव मीट ऑप्शन बी चैनल रूट मार्केटिंग सी आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डी आपका कस्टमर रिटेंशन मैनेजर आपका जो भी राइट right आंसर है नीचे लिखिए आपका समय शुरू होता है अब इन दस सेकेंड के दौरान आपको जो है क्वेश्चन का क्रमांक आगे डैश देके उसका जो भी राइट right आंसर है वो आप नीचे लिख के एंटर कर दीजिए ताई तो ही आपका जो है काउंट होगा आपका जो भी चलिए आपका टाइम लिमिट समाप्त हो चुका है इसका आंसर है आपका कस्टमर रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट चलिए सोलह क्वेश्चन पार कर लिए क्वेश्चन नंबर सत्रह पे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपके पास इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके और आपको एक और अन्य इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जो है राजस्थान के सभी जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो है तैयारी के लिए शाम को साढ़े आठ बजे आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की जा रही है तो उनको भी आप साथ में विजिट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह के ऊपर विजिट करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है डाटा के की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक, -एक है कौन सा है ए मेगा बी सम प्रति सेकंड सी आपका बिट प्रति सेकंड या डी नैनो सेकंड इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका समय शुरू हो चुका है फटाफट कीजिए आपके पास इसके बाद सिर्फ लास्ट जो है तीन क्वेश्चन ही बचे हैं तो आप पर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के हिसाब से तो इसका राइट आंसर है आपका सी बिट प्रति सेकंड क्वेश्चन नंबर अठारह के ऊपर विजिट करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर अठारह भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है ऑप्शन ए है आपका सीडेक ऑप्शन बी है आपका आईआईटी कानपुर सी है आपका बार्क बी एरसी और ऑप्शन डी है आपका आईआईटी दिल्ली इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन का क्रमांक डैश राइट आंसर आगे आपका समय शुरू हो चुका है दस सेकेंड का टाइम आपके पास है चलिए आपका जो है समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर आपके सामने है ने जो है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो है विकास किया था चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस के ऊपर बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर उन्नीस है आपके सामने कंप्यूटर शब्द कोश में सी डी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है सी का फुल फॉर्म बताना है यहां पर आपको अगर आप चैनल को डेली टू डेली विजिट कर रहे हैं तो मैंने इसमें बता दिया था हमारे आउटपुट उपकरण के दौरान जब सीडी का उल्लेख हुआ था उसके अंदर मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको ऑप्शन ए आपका कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन बी आपका कंप्रेस्ड डिस्क ऑप्शन सी आपका कंप्यूटराइज डाटा और ऑप्शन डी आपका कंप्रेस्ड डाटा आपका जो भी राइट right आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका समय शुरू होता है अब आपको इन दस सेकेंड के दौरान इसका जो भी राइट right आंसर है क्वेश्चन का क्रमांक डेस्ट और जो भी आपका राइट right आंसर है ए बी सी या डी वो आप लिख के एंटर कर दीजिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास चलिए खत्म हो चुका आपका समय और आपका राइट आंसर है ए कॉम्पैक्ट डिस्क बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन बीस की और क्वेश्चन नंबर बीस के लिए तैयार रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस आपके सामने है डब्ल्यू 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 के आविष्कारक कौन है यानी ट्रिपल डब्ल्यू आप जो यूज करते हैं वेबसाइट से पहले तो उसके आविष्कारक कौन है ए है आपका एडवर्ड टेलर बी है आपका बिल गेट्स सी है आपका टीम बर्निस्ली और डी है आपका विनोद धाम इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए चलिए आपका समय शुरू होता है अब इन 10 सेकेंड के दौरान आपको जो है फटा फटाफट आपका जो भी आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना है चलिए इसी के साथ जो है आपका टाइम लिमिट समाप्त हो चुका और इसका राइट आंसर है आपके सामने है टिम बर्नस ली ने जो है डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू uh, का जो है आविष्कार किया है तो इस प्रकार हमने जो है कंप्यूटर की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है एक बार जाने से पहले आपको और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर रोज़ रात साढ़े आठ बजे राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है राजस्थान जीके से रिलेटेड जो है सीरीज़ लाई जा रही है तो उनको आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आप डेली टू डेली विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें थैंक यू नमस्कार साथियों मैं सवाई आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन इंडियन जीके के क्वेश्चन साथियों आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू होता है आप आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है यह जैन धर्म में मोक्ष कहलाता है ऑप्शन ए निर्जरा ऑप्शन बी अनंत चतुष्ठाई ऑप्शन सी समर और ऑप्शन डी जो है संबोधि इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र दस सेकंड का समय दिया गया है आपको इस प्रश्न के लिए और आपका जो समय है वह तीन दो एक समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही विकल्प आंसर है वो है आपके बी अनंत चतुष्ठाए साथियों ये जो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट हैं इसके अंदर आप भाग लेकर अपनी जो संपूर्ण तैयारी है उसमें चांद चा, चार चांद लगा सकते हो साथियों आपके लिए मोटिवेशनल के तौर पर मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ कि जो झुकना जानता है उसे जमाना मानता है जिसने किया अहंकार उसकी संपूर्ण जिंदगी पूरी अंधकार साथियों इसी मोटिवेशनल स्पीच इस के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके लिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इंडियन जीके से निकल कर सामने वह निम्न में से धार शासक राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का हमें वर्णन मिलता है ऑप्शन ए राज तरंगिनी ऑप्शन बी जामवती कल्याणम ऑप्शन सी अमुक्त ऑप्शन डी युक्ति कल्पत्रु इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है और इसके लिए जो सही विकल्प है इसके लिए समय पूर्ण हुआ और इसका जो सही विकल्प आंसर जो है यह है ऑप्शन डी युक्ति कल्पत्रु ग्रंथ युक्ति कल्पत्रु ग्रंथ के अंदर आपको नौका निर्माण और नौकाओं के प्रकार से संबंधित जानकारी साथ ही प्राचीन भारत के दो प्रमुख बंदरगाह बंदरगाहों के साथ में जैसे जो हम बात करें अरब सागर तो अरब सागर की जो प्राचीन नाम रत्नाकर और साथ ही बंगाल की खाड़ी का नाम महोदी जो है इसी ग्रंथ के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है साथियों इंडियन जी के जो हैं इसके लिए जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तीसरा क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन पुस्तक हिस्ट्री ऑफ दी संस्कृत लिटरेचर के लेखक हैं ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड ऑप्शन बी वी एस वाकणकर ऑप्शन सी दशरथ शर्मा और ऑप्शन डी जो है टेरियस इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है आपका अब मात्र 10 सेकंड का समय मिला है आपको और इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपको देना है इस क्वेश्चन कांटेस्ट के माध्यम से आपका समय पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प है ऑप्शन ए मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड ने इस पुस्तक के अंदर पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर जिसके अंदर भारतीय संस्कृति और संस्कृत जो भाषा है संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश जो रूप है ब्राह्मी रूपी ब्राह्मी भाषा के अंदर जो विख्यात हुआ है इसका वर्णन मैकडन मैकडोनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर में बड़े रोचक तरीके से इसका वर्णन किया है साथियों आगे बढ़ते हैं आपके लिए इंडियन जीके जो है इसके लिए जो अगला चौथा क्वेश्चन है आपके सामने रख रहा हूं क्वेश्चन प्राचीन भारत का वह राजवंश जिसे पित्रहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है क्या कहलाता है विकल्प ए शिशुनाग वंश विकल्प बी हरियक वंश विकल्प सी नंद वंश और विकल्प डी वंश इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब समय मात्र दस सेकेंड का आपके लिए समय दिया गया है और समय जो है यह पूर्ण हुआ और आपका जो सही विकल्प है इस क्वेश्चन के लिए वो है बी हरियक वंश हरियक वंश में जो भारतीय इतिहास का वंश है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है और हरियक वंश जो प्राचीन भारतीय वंश के अंदर प्राथमिक वंशों की दौड़ में पहला जो वंश है वो सामने रखा जाता है इसी दौड़ के अंदर जैसे हरियक वंश है सैसुनाग वंश है नंद वंश है नंद के बाद में मौर्य मौर्य के बाद में शुंग वंश यह शासन का क्रम आगे बढ़ता है आगे बढ़ते हैं साथियों इतिहास से जो निकलकर पांचवा जो क्वेश्चन आपके सामने सम्मुख जो सामने रखा जा रहा है क्वेश्चन जो है इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति क्वेश्चन पांच द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी विकल्प ए वशुमित्र विकल्प बी मोगली प्रत्यक्ष विकल्प सी सबाकामी और विकल्प डी जो इस क्वेश्चन के लिए है वह है महाकश्यप इसके लिए समय शुरू होता है प्रश्न के लिए आपका अब मात्र दस सेकेंड का आपके लिए समय दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन के लिए जो बौद्ध धर्म से निकल कर आया है इसके लिए समय आपका पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प है आपका वो है सबा कामी बौद्ध धर्म की चार बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी जो राजगृह वैशाली और कुंडलवन कश्मीर के साथ में यह पाटलिपुत्र आदि चार जगहों के ऊपर आयोजित की गई थी और इसके अंदर मैं कर्म सहित आपको वापस समझा देता हूं पहली बौद्ध संगीति जो है से लगाकर चार बौद्ध संगीति जो क्वेश्चन बना है आपके द्वितीय बौद्ध संगीति का इसमें जो सही विकल्प है वो आपके सभा कामी तो पहले पहली बौद्ध संगीति का जो सही विकल्प है महाकश्यप दूसरी सभा कामी तीसरा जो बताया जाता है वो बताया जाता है आपके मोगली पतष्य और अंतिम सभा की अध्यक्षता करने वाले बताए जाते हैं वशुमित्र जो कनिष्क के काल में यह सभा आयोजित की गई थी साथियों आपके सामने इंडियन जीके से जो छठा क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहा है छठा क्वेश्चन जो इस प्रकार है आपके वह कौन सा उपनिषद जिसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया साथ ही इस उपनिषद में मृत्यु की चर्चा की गई है यह जो उपनिषद है इस विकल्प के माध्यम से आपको चुनना है पहला जो विकल्प है छंदोग उपनिषद दूसरा जो विकल्प है ऑप्शन बी श्वेताश्वर उपनिषद तीसरा जो विकल्प है वह है आपके कंटो उपनिषद और चौथा और अंतिम विकल्प जो है वह है ईसो उपनिषद समय शुरू हुआ आपका और यह जो क्वेश्चन है यह उपनिषद से लिया गया है साथियों टेडा जरूर क्वेश्चन है लेकिन आने की संभावना समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही सटीक आंसर है ऑप्शन इज क्लियर उपनिषद का नाम कंटो उपनिषद साथियों अगर पूछ ले कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है तो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है कुल उपनिषद बताया जाता है भारतीय इतिहास के अंदर 108 जिनमें 11 इंपॉर्टेंट उपनिषद बताए जाते हैं जिसमें ईसो उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद कंटो उपनिषद केशो उपनिषद वृद्धारण्य उपनिषद आदि महत्वपूर्ण उपनिषदों के नाम आपके सम्मुख रखे जाते हैं साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या सात जो इंडियन जीके से निकलकर आपके लिए लेके आया हूं मैं तो इस एनवेलर प्लेटफॉर्म पर सातवा जो क्वेश्चन है आपके लिए इंडियन जीके से सिख धर्म के गुरु जिन्होंने पवित्र आदि ग्रंथ को पूरा करवाकर गद्य और पद्य में संकलित करवाया है उन गुरु का नाम ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन ए गुरु अर्जुन सिंह जी ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी ऑप्शन सी गुरु रामदास जी और ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू हुआ मात्र 10 सेकंड का समय आपको मिलता है जीके के क्वेश्चन के लिए समय जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन सिंह जी तो साथियों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन मेरी तरफ से आपके लिए कि जब हम जोधपुर में एंट्री करते हैं तो डिफेंस एरिया के अंदर मोटिवेशनल एक स्पीच लिखा हुआ है कि कट हार्ड विद डीपली अर्थात शत्रु जो हैं उसे ख़त्म करो कहाँ से गहराई से तो अपनी जो ये संपूर्ण तैयारी है इसे हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई तक ले जाना है अगर एक भी गहराई से क्वेश्चन उठकर अपने सामने आ गया तो अपने लिए टेडी खीर खड़ी कर सकता है साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आठवा कि ग्रंथ हस्त आयुर्वेद जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की इसके लिए जो पहला विकल्प आपके लिए निकल कर आ रहा है ए वाघ बी वराहमिहिर सी पालक और डी आर्य भट्ट क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब साथियों मात्र दस सेकंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन के लिए इंडियन जीके से जो निकलकर क्वेश्चन आए हैं साथियों आपका समय पूर्ण हुआ और इसका जो सही विकल्प आंसर बना है वो है ऑप्शन सी पाल काव्य साथियों यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह गुप्त काल से लिया गया है और विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर जितने भी महान विद्वान हुए हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन था जिसके अंदर वाघ भट है वराहमीर है पालक आप्य है और इसके साथ में आयुर्वेद से संबंधित आपको जानकारी सविस्तार विस्तार एनविला प्लेटफॉर्म पर जो हिस्ट्री से संबंधित जो भी वीडियो शूट हुए हैं उसके गुप्त काल आपको चूज कर कर इसकी विस्तार जानकारी ले लेनी है साथियों आगे बढ़े आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दो मोटिवेशनल शब्द सामने रखना चाहता हूँ लाइन सामने रखना चाहता हूँ कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता बिना कुछ किए कोई जे जयकार नहीं होता जब तक नहीं पड़ती हथोड़ी की चोट तब तक कोई भी पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता है अपने आप को कुछ बनने के लिए अपने को कड़ी तपस्या करनी है अपने को आग में तपाना है तब जाकर हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे साथियों आगे बढ़ते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इंडियन जीके के लिए वह है आपके लिए क्वेश्चन नाइन निम्न में से हंस संप्रदाय के स्थापना किसने की है यह क्वेश्चन भक्ति काल से निकल कर सामने आया है और इसके लिए जो आपका सही विकल्प जो चुनना है आपको ऑप्शन ए निम्बाकाचार्य ऑप्शन बी रामानुजाचार्य ऑप्शन डी माधवाचार्य और ऑप्शन डी संत ज्ञानेश्वर इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकंड का आपको समय मिलता है इस जीके के बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन के लिए कई बार क्वेश्चन बना है ये समय पूर्ण हुआ आपका और इस क्वेश्चन के लिए आपका सही विकल्प जो है ऑप्शन ए निम्बाकाचार्य जिन्होंने हंस संप्रदाय की क्या की है स्थापना की है साथियों अगर संत संप्रदाय या भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल का सूत्रपात करने वाले जो प्रमुख विद्वान सॉरी संत बताए जाते हैं उसे आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर चार महान मठों की स्थापना की है और दक्षिण भारत से संत संप्रदाय से जो महान विद्वान निकल कर आते हैं संत निकल कर आते हैं जैसे यमुनोजाचार्य हैं रामानुजाचार्य अगर बात महाराष्ट्र की करे तो नाम आता है संत ज्ञानेश्वर और बात अगर पूर्वी भारत की करे तो नाम आता है चैतन्य महाप्रभु और मध्य भारत के अंदर जैसे संत कबीरदास रेदास आदि जो प्रमुख संत हुए हैं अपने भक्ति काल के सर जिन्होंने भक्ति काल के अंदर अपना संपूर्ण योगदान दिया है भक्ति काल की बात करें तो दक्षिण भारत के अंदर जो भक्ति काल है भक्ति परंपरा है इसमें दो भागों में इसका जो वर्ग देखने को मिलता है एक अलवार होता है दूसरा नयनार अर्थात शिव को मानने वाले नयनार कहलाते हैं और भगवान विष्णु के जो पूजक हैं उसे अलवार कहा जाता है साथियों अगर पूछ ले दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है तो नाम आता है अंडाल और प्रसिद्ध जो विदुषी हुई हैं संत महिला हुई हैं उसका नाम करिकाल अमयार के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं साथियों हम इंडियन जीके के क्वेश्चन संख्या दस की ओर आगे बढ़ते हैं दसवा क्वेश्चन आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत है सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है चार विकल्प सामने हैं। सम्राट अशोक के लिए अशोक वर्धन जो विकल्प सामने आया इनमें से आपको चूज करना है विकल्प ए बाबरू का शिलालेख विकल्प बी रुमिंदे का शिलालेख विकल्प सी पुराणों में और विकल्प डी जो है यह जूनागढ़ अभिलेख इस क्वेश्चन के लिए साथियों आपका समय शुरू होता है अब समय मात्र दस सेकेंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए जो आपको सही आंसर विकल्प चुनना है साथियों आपका समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प जो है ऑप्शन सी पुराणों में सम्राट अशोक को पुराणों में जिस नाम से जाना जाता है वह है अशोक वर्धन सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी यानी उसकी उपाधि से भी जाना जाता है सर साथियों मैं डिटेल बता देता हूँ बाबरू का शिलालेख बाबरू से दो शिलालेख मिले हैं जिनकी खोज जो है कैप्टन कालाइल और कैप्टन बर्ट के द्वारा औपनिवेशिक भारतीय जो औपनिवेशिक आधुनिक काल है इसके दौरान इनकी खोज की गई थी रोमिनदई का जो शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया है महात्मा बुद्ध की संपूर्ण जो जीवनी है इसमें वर्णित हैं पुराण जो है पुराणों का पुराणों का अर्थ होता है आख्यान और जूनागढ़ अभिलेख जो है सुदर्शन झील के किनारे हैं जिसमें शत शक महाशत्रुपों की जानकारी भी हमें मिलती है और प्राचीन ऐतिहासिक जो झील बताई जाती है सुदर्शन झील है इसका इतिहास परक जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानने को मिलता है आगे बढ़ते हैं साथियों इंडियन जी जो है इससे जो अगला सवाल आपके लिए निकल कर आ रहा है क्वेश्चन 11 ग्यारहवा जो क्वेश्चन है आपके सामने समूह प्रस्तुत है ग्यारहवा क्वेश्चन वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि अंगीकार की जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिता बताए जाते हैं ऑप्शन ए महाराजा धीराज ऑप्शन बी हूण केसरी ऑप्शन सी परानुकर्मांक और ऑप्शन डी रणहस्तीन इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही सटीक आंसर देना है उसके लिए समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन के लिए जो वर्धन वन से निकला है साथियों आपका समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प जो है ऑप्शन बी हूण केसरी प्रभाकर वर्धन ने राजा बनने के बाद में जो उपाधि अंगीकार की वह हूण केसरी के नाम से जाने जाते थे उन्हों का दमन करने के कारण इन्हें हूण केसरी कहा जाता है महाराजा धीराज अर्थ राजाओं का राजा महाराजा दिराज भारतीय इतिहास में अनेक अनेक राजाओं ने ये अंगी उपाधि अंगीकार की हूण केसरी में बता चुका हूँ परानु कर्मांक जो है ये समुद्र गुप्त के द्वारा उपाधि अंगीकार की गई और अंतिम रणहस्तीन गुजर गुर्जर शासकों ने जो उपाधि अंगीकार की है वह रणहस्तिन जिसमें वत्सराज का नाम निकलकर सामने आता है अर्थार्थ युद्ध क्षेत्र में हाथी जैसा पराक्रम दिखाने वाला रणहस्तिन कहलाता है साथियों अब मैं आपके सामने दो मोटिवेशनल लाइन सामने सम्मुख रखना चाहता हूं जो स्वर्गीय है महान विभू अपने जो जो प्रमुख अपने जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की दो लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूं कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपात पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं साथियों हमें हर दुविधा से निकलकर उजाले की ओर आगे बढ़ना है और उजाला ही हमारे भविष्य को सिक्योर कर सकता है आगे बढ़ते हैं भारतीय इतिहास या भारतीय जीके जो है इसमें से अगला जो बारवा क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए एनविरा प्लेटफॉर्म पर वो इस प्रकार बारवा क्वेश्चन महान कवि अश्वघोष जो हैं ये किस शासक के दरबारी कवि बताए जाते हैं सवाल आपके सामने प्रस्तुत है इसके लिए जो सही विकल्प है आपके सामने ए समुद्रगुप्त बी सम्राट कनिष्क सी सम्राट हर्षवर्धन और डी सम्राट नाग जो गुजर प्रतिहार से बिलोंग करते हैं वंश से और इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र दस सेकंड का समय दिया गया है आपको और यह जो क्वेश्चन है बहुत बार कई कॉम्पिटिशनों के अंदर पूछा गया साथियों समय पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प जो है वो इस प्रकार ऑप्शन बी क्लियर कनिष्क सम्राट कनिष्क से कनिष्क कैसे कुसाण कैसे कुंडलवन से कश्मीर जिसमें यह इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है सम्राट कनिष्क का कनिष्क जो है जिसके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले अश्वघोष बताए जाते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने भारतीय इतिहास के चार प्रमुख राजवंश के प्रमुख शासकों को सम्मिलित किया जिसमें गुप्त वंश की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे समुद्र गुप्ता। उसके बाद में कुषाण वंश से कनिष्क ंश पुष्य भुद्धि वर्धन वंश से हर्षवर्धन और गोजर प्रत्यार वंश से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द्वितीय आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे बढ़ने से आप आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं आपको कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है सूरज को निकलने में वक्त लगता है किस्मत को हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने होशनों से किस्मत बदलने में जरूर वक्त लगता है समय के साथ में मारवाड़ी में एक कहावत है जो लेट मिले वो ठेठ मिले समय के साथ में जो अपनी संपूर्ण तपस्या है अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है तो बहुत बड़ा पद हमें प्राप्त होने वाला है आगे बढ़ते हैं एनवीरा प्लेटफार्म पर अगला जो जीके से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके सामने तेरवा जो क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है वो इस प्रकार सन तेरह आठ ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शिवाना को जीतकर शिवाना का जो नाम बदलकर रखा गया नया नाम रखा गया है ऑप्शन ए खिजराबाद ऑप्शन बी खेराबाद ऑप्शन बी मोमिनाबाद और ऑप्शन बी सॉरी डी जलालाबाद साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकेंड का समय मिला है इस क्वेश्चन के लिए आपको जो सल्तनत काल से निकलकर का सामने आया है और साथियों आपका समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर है ऑप्शन बी खेराबाद खेराबाद जो है सिवाना का नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद पहला ऑप्शन खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा जो तेरा सो तीन ईस्वी के अंदर रखा गया था बाद खेराबाद की बता दी मोमिनाबाद सम्राट अकबर ने बादशाह बनने के बाद में जयपुर के साथ में अपने संबंध स्थापित करने के बाद में जयपुर का नाम रखा मोमिनाबाद जो रेगुलरिटी के साथ में आगे बढ़ता गया औरंगजेब के शासन काल तक और अंत में से जालोर ज से जलाबाद जो जला का, का जो नाम रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 सो ईस्वी में उसे जलालाबाद कहते हैं आगे बढ़ते हैं इंडियन जीके की तरफ से जो चौदह क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हुआ है आपके सामने हाजिर है चौदह क्वेश्चन चौदह क्वेश्चन भारत का वह समाज सुधारक जिसकी समाधि स्थल पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ सॉरी नाटक हरी केली का जो अंकन किया गया है समाधि स्थल पर उस महान समाज सुधारक का आपके सामने ऑप्शन के जरिए नाम आ रहा है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी केशव चंद्र शैन साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकंड का समय मिला है भारतीय समाज सुधारकों की श्रेणी से ये सवाल निकलकर आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने समय पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन के लिए सही सटीक आंसर है बी राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय की ऐतिहासिक जानकारी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारकों में से प्रमुख बताए जाते हैं जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेटी के साथ में मिलकर अठारह सौ ईस्वी में क्षति प्रथा जैसे जघन्य अपराध को खत्म करने की पहल की थी और जब ये अपने भारतीय जो धर्म है हिंदू धर्म वैदिक धर्म जो है इसको इंग्लैंड में रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे वहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी तो इंग्लैंड के ब्रिस्टले नगर में एक कारपेंटर के घर इनकी मृत्यु हुई और वहीं पर इनकी समाधि स्थल बनाया गया जहां पर प्रसिद्ध नाटक हरि केली जो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत में रचित किया गया था उसका अंकन किया गया है साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पंद्रहवे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं एनविरा प्लेटफॉर्म पर पंद्रवा क्वेश्चन इस प्रकार है किस पुरातात्विक स्रोत में गुजर प्रतियार शासकों को द्वारपाल बताया गया है ऑप्शन ए संजन ताम्रपात्र ऑप्शन बी एहोल अभिलेख ऑप्शन सी ग्वालियर प्रशस्ति, ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र 10 सेकेंड का आपको समय मिला है इस भारतीय इतिहास या फिर जीके के क्वेश्चन के लिए जो गुजर प्रत्यार वंश से निकलकर सामने आया है साथियों समय पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन के लिए सटीक आंसर ऑप्शन ए शंजन ताम्रपत्र जिसमें हमें गुजर प्रतिहारों को द्वारपाल पढ़ने को मिलता है द्वारपाल का का काम लक्ष्मण लक्ष्मण ने किया इसके कारण इन्हें का वंशज भी कहा जाता है और अनेक अनेक अभिलेखों के अंदर गुजर प्रतिहार वंश के शासकों को राम का प्रतिहार कहा गया प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल शाब्दिक अर्थों में द्वारपाल का अर्थ रक्षक भी होता है अर्थात अरबों से रक्षा करने वाला प्रतिहार कहलाता है आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है पुस्तक दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक जो पूछी गई है के रचनाकार थे दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के रचनाकार ऑप्शन ए गोपीनाथ शर्मा ऑप्शन बी शिवी वैद्य ऑप्शन डी दशरथ शर्मा और ऑप्शन डी वी एस स्मिथ साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र दस सेकेंड का समय मिला है इस क्वेश्चन के लिए इस ऐतिहासिक पुस्तक के रचनाकार के नाम के लिए और आपका समय जो है यह पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन का सही सटीक आंसर ऑप्शन सी दशरथ शर्मा दशरथ शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है वह दी आर्ली चौहान डायनेस्टीज के नाम से उपस्थित है जिसमें चौहान वंश का विस्तार जानकारी हमें पढ़ने को मिलता है आगे बढ़ते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन संख्या सतरवे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं सत्तरवे की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं दो लाइन आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि बिना कुछ किए जेचे कार नहीं होती है सॉरी आगे बढ़ते हैं इस वक्त जो मुस्कुरा रहा है कभी उसने भी दर्द को पाला होगा और इस वक्त जो चल रहा है निश्चित है उसके पैर में एक छाला होगा बिना कोई बिना मेहनत कोई चमकता नहीं साथियों और जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या सत्रहवें की तरफ हम आगे बढ़ते हैं सत्रवा क्वेश्चन जो जीके इंडियन जीके से निकलकर आपके सम्मुख सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह इस प्रकार से है आपके सत्रवा क्वेश्चन बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सांची का स्तूप सांची का स्तूप जो है यह किस वंश के शासन काल में बनवाया गया था ऑप्शन ए मौर्य काल ऑप्शन बी शुंग काल ऑप्शन सी गुप्त काल और ऑप्शन डी राजपूत काल साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब यह सवाल बौद्ध धर्म से सामने निकलकर आया है सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया समय हुआ साथियों इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर है वह है शुंग काल शुंग काल के अंदर अनेक अनेक स्तूपों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है जिनको बनाया गया जैसे अमरावती का स्तूप एरागुंडी का स्तूप और विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है वह शुंग काल के अंदर निर्माण करवाया गया आगे बढ़ते हैं इंडियन जीके की तरफ से एनविरा प्लेटफॉर्म पर जो अठारवा क्वेश्चन हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अठारवा क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है कि प्रसिद्ध राष्ट्र प्रसिद्ध युद्ध राक्षस तांगड़ी जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है लड़ा गया वर्ष का नाम बताना है ऑक्शन के जरिए ऑप्शन ए सॉरी सासठ ईस्वी ऑप्शन बी पंद्रह सो ऑप्शन सी ऑप्शन सी है आपके पंद्रह सो और ऑप्शन डी पंद्रह सो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब सवाल विजयनगर साम्राज्य से प्रस्तुत हुआ है साथियों विजयनगर साम्राज्य जो तेरहवीं से चौदह सदी के अंदर जिसका प्रादुर्भाव बताया जाता है इसके अंदर समय पूर्ण हुआ और इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर हैं ऑप्शन छी पंद्रह सो में राक्षस तांगड़ी का युद्ध लड़ा गया 23 जनवरी पंद्रह सो में बहमनी साम्राज्य और संगम सॉरी विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय के मध्य ये युद्ध लड़ा गया जिसे राक्षस तांगड़ी या तालिकोटा युद्ध के नाम से जाना जाता है बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके उसे नष्ट कर दिया गया बात विजयनगर साम्राज्य की करें तो विजयनगर साम्राज्य में हमें चार वंशों की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है पहला संगम दूसरा सुलू तीसरा तुलु और चौथा अरा विदु वंश जिसके प्रमुख संस्थापक तिरुमल के नाम से जाने जाते हैं आगे बढ़ते हैं अट्ठारहवा क्वेश्चन जो आपके सॉरी उन्नीसवा क्वेश्चन जो आपके सामने एडविरा प्लेटफॉर्म पर जो जारी होने जा रहा है इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है उन्नीस का क्वेश्चन सम्राट हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज सभा का आयोजन जो किया गया इसकी अध्यक्षता किसने की थी ऑप्शन ए उपगुप्त ऑप्शन बी इतसिंग ऑप्शन डी सॉरी फहियान और ऑप्शन डी हेन के द्वारा इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब मात्र दस सेकेंड का समय दिया गया है आपको पुष्यभूति वर्धन वंश से निकलकर सामने आया क्वेश्चन ये और इस क्वेश्चन के लिए आपका समय पूर्ण हुआ इस इक्वेशन का सही सटीक जो विकल्प है साथियों ऑप्शन डी हेनसांग बताया जाता है ह से हर्षवर्धन ह से हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर जो चीनी यात्री आए उसे हेनसांग के नाम से जाना जाता है जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ सीयूकी की रचना की है ऑप्शन क्लियर कर देता उपयुक्त उपगुप्त महान विद्वान जिन्होंने विद� सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और फाहियान जो हैं ये गुप्त काल के अंदर भारत आए थे शिक्षा अर्जित करने के लिए प्राचीन विश्वविद्यालय साथ ही बौद्ध धर्म के साहित्य ग्रंथ त्रिपिटकों की सविस्तार जानकारी ग्रहण करने के लिए ये भारत आए थे तो साथियों इंडियन जी के, के जो क्वेश्चन है वो संपूर्ण हुए आगे के लिए जो अगले क्वेश्चन जो तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लग तैयार रही है नमस्कार साथियों मैं विष्णु गहलोत आपके सामने लेके आया हूं एनवीरा इंग्लिश क्विज तो इस क्विज में शामिल होने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब मेरा समय शुरू होता उस समय आप आंसर दें तो बेहतर होगा तो आज की इंग्लिश क्विज में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपकी स्क्रीन पर है आपको साइनोनेम्स बताना है ऑब्लीगेटरी का और इसका फर्स्ट यूजफुल होगा कि रिक्वायर्ड होगा कि स्टबर्न या एग्रीबल तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका समय शुरू होता है अब ध्यान से पढ़िएगा अच्छी तरह से देखिएगा ऑब्लिगेटरी का साइनोनेम्स क्या है आपका समय शुरू हो चुका है और अब ख़त्म होने की कगार पर है तो आपका इसका सही आंसर है बी रिक्वायर्ड तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें समझें सोचें और फिर आंसर दें और जब समय कहा जाता है कि शुरू उस समय अपना आंसर टाइप करें पहले एडवांस में नहीं चलें तो आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं पीछे जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए गए हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नजर आने वाला है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से एंसेस्टर का आपको एंटोनाइम्स बताना है तो आपका पहला सपोर्टर्स सेकेंड आपका डिसिपल्स थर्ड आपका फॉलोवर्स और फॉर्थ आपका डिसेंडेंट्स तो देखिए एनसेस्ट का कौन सा एंटोनाइम्स सही है तो आपका समय शुरू होता है अब सोचिए समझिए अच्छी तरह से आंसर दीजिएगा बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेके आए हैं आपका समय पूरा होता है और इसका सही आंसर है दोस्तों डी अब मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे सिस्टम आपके सामने लाने वाले हैं कि वो अद्भुत चीज़ें ही होगी और इन सब चीज़ों को जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं यदि रियल में आपको आ, पढ़ना है कि इसका सही आंसर ये कैसे हुआ तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी उसके वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको तो अभी जो क्विज आपके सामने चल रही है उस पर एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा नेक्स्ट मैं आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ध्यान से पढ़ें जब समय शुरू होता है तब आंसर दें तीसरा क्वेश्चन आपके डेविएट का वकब्लरी टेस्ट लेना है तो डेविएट शब्द से मैच करता हुआ कौन सा शब्द होगा आपका लोकेट होगा ब्लूवीट होगा कंसनट्रेट होगा या फॉलो होगा तो आपका समय शुरू होता है अब ध्यान से पढ़िएगा ये वकबलरी टेस्ट है आपका डेविएट का सही सही सिमिलर कौन सा होगा या वर्ड मैच कैसे करेंगे आप देखिएगा समय पूरा हुआ और इसका सही आंसर है दोस्तों डी फॉलो समझ रहे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अधिक से अधिक चीजें आप तक पहुंचे तो इसके लिए एक ही चीज़ है सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप आ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो स्क्रीन के ऊपर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा इस क्वेश्चन को द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर कॉल ऑनर लेक्चर सीरीज और दूसरा है द डिसीजन टू सेटअप अ न्यू यूनिवर्सिटी इन द टाउन वॉज वेलकम्ड बाई द पीपल अबल यहाँ डबल साइनोनेम्स है तो कौन सी चीज़ आएगी इन दोनों के लिए कौन सी चीज़ें वो कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में काम आ सकती हो? जेकी, जेकी है वो मैनेज है कि ऑर्गेनाइज है कि इंस्टीट्यूट है कि बिल्ड है इन चारों में से दोनों का ए और बी दोनों के अंदर सही शब्द कौन सा साइनोनेम्स आ सकता है तो वहाँ पर आप सोचिएगा आपका समय शुरू करता हूँ मैं आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा फर्स्ट के अंदर जो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर कॉल द ऑनर लेक्चर सीरीज और दूसरे में द डिसीजन टू सेट अप अ न्यू यूनिवर्सिटी इन द टाउन वाज वेलकम बाय द पीपल डबल साइनोनेम्स का गेम चल रहा है इसमें तो वो डबल कौन सा शब्द है जो दोनों में यूज हो सकता वो है वो मैनेज है कि ऑर्गेनाइज है कि इंस्टीट्यूट है कि बिल्ड है आपका समय शुरू करता हूँ मैं आप देखते रहिए क्वेश्चन समझने के लिए बिल्कुल आपको हमारे इस चैनल पर ही आना पड़ेगा तो समय अवधि आपकी पूरी होती है और इसका सही आंसर है आपका सी दैट इज़ इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप पूरा समझेंगे तो आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएगी और आप समझ पाएंगे यदि आपको वाकई ये समझना है कि ये इसका सही आंसर कैसे हुआ तो उसके लिए हम आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं वो वीडियो लेक्चर हमारे एनवीरा एजुकेशन चैनल पर ही मिलेंगे तो साथियों साथ बने रहें हम बहुत अच्छी हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रही है कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या कोई भी एंट्रेंस लेवल का एग्जाम है तो हम उन सब की प्रिपरेशन एनवीरा एजुकेशन पर करवाने जा रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा और बहुत बड़ा सेटअप हम इनके साथ लेके आ रहे हैं हमारा ऐप सिस्टम भी आ गया है तो हम हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों को विद्यार्थियों को प्रतिभागियों को कैंडिडेट्स को वो सारी चीजें दे रहे हैं सारी चीजें दे रहे हैं तो चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब नजर आने वाला है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट ब्लो अ अपरसन विंडो ये वन वर्ड है वो संगीत जो गाया जाता है या बजाया जाता है वो गीत रात्रि को किसी व्यक्ति की खिड़की के पास इसको वन वर्ड कौन सा होगा आपका सेरेनेड होगा कि शोनेट होगा कि लायरिक होगा कि प्रीमो अब आप समझिएगा क्वेश्चन बहुत शानदार है वन वर्ड है ये इस पे वो गीत वो गाना जो एक व्यक्ति की खिड़की के पास रात को गाया जाता है वो गाना कुछ शब्द को एक शब्द में क्या कहेंगे सेरेनेट कहेंगे कि सोनेट कहेंगे कि लायरिक कहेंगे कि प्राइमो कहेंगे सोचिएगा इतना शानदार क्वेश्चन है और आई बी ओ में आया हुआ है ये आपके तो आपका समय शुरू होता है अब सोचिए सेरेनेट होगा कि सोनेट होगा कि लायरिक होगा कि प्राइमो होगा समय पूरा होने वाला है स्क्रीन पे देखें आप समय पूरा हुआ राइट right आंसर है आपका सेरेनेड, और इसका अर्थ क्या होता चारों का इसके लिए भी आपको हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लेक्चर हम वहीं से दे सकते हैं तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला है दोस्तों सम पीपल देम सेल्व इन बिलीविंग दैट दे आर इन टू दर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर सेंटेंस कंप्लीस में आपको एक वर्ड चूज करना है यहाँ सम पीपल के आगे कीप फूल फोर्स या डेल्यूड इनमें से क्या आएगा सब शब्दों का अर्थ है सिंपल क्वेश्चन है एकदम से सिंपल क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीके से वापस से पढ़ लीजिएगा आप सम पीपल दैम सेल्व इन टू बिलीविंग दैट दे आर इनडिसबल टू दर्गेनाइजेशन दे वाक फो इनके राइट right आंसर में कौन सा होगा सेंटेंस के अंदर आप क्या भरेंगे की भरेंगे कि फूल भरेंगे कि फोर्स भरेंगे या डेल्यूट भरेंगे आपका समय शुरू करता हूँ मैं आप दोस्तों आपका समय शुरू हुआ है सोचिए विचारिए, विचारिएक मत दीजिए तुक मत दीजिए समझिए क्वेश्चन को आपका आंसर सही होगा समय पूरा होता है आपका राइट right आंसर है डी डेल्यूट और डेल्यूट का मीनिंग होता है भ्रम तो इन सारी चीज़ों को देखने सोचने समझने के लिए निश्चित है ये आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और हम जब इतनी अच्छी तैयारी पूरी टीम के साथ तैयारी दे रहे हैं दोस्तों तो इतना तो लाजमी है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी ये चीज़ पहुँचें और प्रत्येक विद्यार्थी जो तैयारी करेगा आप समझते हैं बहुत शानदार तैयारी होगी तो शुरू करें इंग्लिश क्विज कॉन्टेस्ट में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट अब इसमें आपको एरर ढूंढना है एरर किस में है ए में है कि बी में है कि सी में है या डी में एरर ढूंढिएगा आप ये सिंपल सा है अपने आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल्स तो आप सोचिए आर्टिकल्स मैं आपको क्लू दे रहा हूँ इसमें आर्टिकल्स का एरर है यदि आपको नज़र आता है तो देखिएगा इसमें कौन से में एरर ढूंढना है आपको वापस से पढ़िए ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट यहाँ पर आपका समय शुरू करता हूँ मैं अब आंसर दीजिएगा आप और यदि आपको इस सारी चीज़ें पढ़नी है तो हमारे चैनल पर आइएगा एनवीरा एजुकेशन के ऊपर वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी समय आपका समाप्त होता है और आपका राइट आंसर है वो है डी डी में क्या लिखा हुआ है ए बिफोर सिंगर सिंगर से पहले ए लगाना था आपको क्योंकि यहाँ आर्टिकल साइंटिस्ट से पहले आया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा तो फिर से रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जब समय शुरू होता है तभी आंसर दे एडवांस में दिए गए आंसर पे गौर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है पढ़िएगा वाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेज सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना आपको वहां पे वाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेज क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा इसमें किस चीज को हटाकर वर करोगे कि वाज करोगे कि इज करोगे या इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा आप देखिएगा क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा वाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेज ये सब्जेक्ट वर्ब कनकोड का सवाल है और छोटे कॉन्सेप्ट के ये हमें तीसरी चौथी क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है और कंपटीशन लेवल तक काम आता है आप समझिएगा इसको समय शुरू करता हूं मैं एडवांस में आप उत्तर नहीं देवे तो आपका समय शुरू होता है आप वर होगा कि वाज होगा कि इज होगा कि नो इम्प्रूवमेंट आप समझिएगा इस चीज़ को ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है समय आपका पूरा होता है और दोस्तों इसका राइट आंसर देने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपके सामने बताना चाहूँगा यहाँ से आपको वर होगा कि वाज होगा कि इज होगा कि नो इम्प्रूवमेंट होगा थोड़ा सा वापस समझिएगा आंसर तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं एडवांस में और अब इसका राइट आंसर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ इसका राइट आंसर है सी वो इज कहाँ आएगा कहां आएगा? मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकोड तो यहाँ पे देखिए इसको अगर रिमूव करेंगे ना तो दो बार आर आया हुआ लार्ज समझिएगा तो एक आर हटेगा तो ये पहले वाला जो आपका आर है वो हटेगा वाट इज नीडेड समझ गए आप तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप और उन पे थोड़ा सा गौर करें आप और जब गौर करेंगे तो आप, आपको समझ में आएगा कि वाकई लाजवाब बेहतरीन तैयारी हमारी टीम आपके लिए कर रही है फिर से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आप अधिकतम लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये वीरली तैयारी है रेयर तैयारी करवा रहे हैं हम दुर्लभ तैयारी करवा रहे हैं हम चलें आगे आगे के क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रख रहा हूं मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं समझने का हेल्थ इज प्राइसलेस वेल्थ ओके इट इज सैड सो बिकॉज ऑर्डिनरी लॉस्ट वेल्थ मे बी रिमैन बट द हेल्थ वंस लोस्ट कैनॉट बी रिकव्ड यहाँ पे हमने प्रतीक दिया असाउंड माइंड रेस्ट इन अ हेल्थी बॉडी तो क्वेश्चन को समझिएगा दादा यहां पर आपके नाइन नंबर क्वेश्चन में हेल्थ इज प्राइज लेस वेल्थ इट इज यहां आपको एरर नजर आएगा तो इस एरर को हटाना जहां नो नंबर है ना उसकी जगह पे आपको क्या आएगा वाज आएगा कि इज बीइंग आएगा कि हैज बीन आएगा या नो करेक्शन रिक्वायर्ड है सोचिएगा मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचिएगा यहां जो नाइन नंबर लिखा हुआ जहां पे इट इज वहां पे एरर है उस एरर को दूर करने के लिए आप क्या लगाएंगे ऑप्शन ए में वाज दिया हुआ वा, बी में इज बीइंग दिया हुआ सी में आपका हैज बीन दिया हुआ और डी में नो करेक्शन रिक्वायर्ड है समय शुरू करता हूं दोस्तों अब आपका समय शुरू हो गया है अब आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से एडवांस में दिए गए उत्तर का ऊपर गौर नहीं किया जाएगा समय पूरा होता है अब और सही आंसर है आपका हैज़ बीन यहाँ इट इज़ की जगह इट हैज़ बीन सैड ये कहा जा चुका है वैसे वही सेंटेंस है यदि आपने सिक्स से लेकर टेंथ तक पढ़ाया जाता है पैसे इस सदी आपने गौर किया गया हो तो अगर उस समय गौर कर लेते तो आज कंपटीशन लेवल को आप क्रैक कर लेते दोस्तों तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं एन वीरा एजुकेशन के ऊपर वो सारी चीज़ें जिससे आप कोई भी कंपटीशन लेवल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर वही क्वेश्चन रिपीट होगा जो अभी क्वेश्चन दिया गया वो रिपीट होगा उस रिपीट क्वेश्चन को वापस पढ़िएगा वापस वही क्वेश्चन है हेल्थ इज प्राइसलेस वेल्थ वेल्थ इट हैज बीन सेड सो ऐसा कहा जा चुका है है बिकॉज ऑर्डिनरी यहां एरर है आपका टेन नंबर एरर इसकी जगह पे रिप्लेस क्या होगा बताइए कैन होगा कि माइट होगा कि वुड होगा कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड है दोस्तों मैं आपका समय शुरू करता हूं अब ये लीजिए आप जो पहले वाला नो नंबर क्वेश्चन था उसमें एरर हैज बीन आया था इस टेन नंबर में आपका क्या होगा या मे की जगह क्या आएगा वो आप सोचिएगा अब आप, आपका राइट आंसर है इसमें कैन तो यहाँ मे बी की जगह आएगा कैन बी दोस्तों फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं कि हम जो ये रेयर तैयारी करवा रहे हैं ना वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए चाहे वो ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट है चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट है चाहे वो ट्वेल्थ पास बी की या इंटीग्रेटेड पीटीटी की तैयारी कर रहा है या कोई पटवारी की कर रहा है ग्राम सेवक की कांस्टेबल की कोई भी तैयारी करवा रहा है ये सारे प्रश्न हमने उठाए हैं ग्रेजुएशन लेवल से और जो अब आएंगे आपके बी में भी सिंपल क्वेश्चन है आपको केवल इंग्लिश का डर है और वो इंग्लिश का डर अगर दूर करना है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा दोस्तों एनवीरा एजुकेशन सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास पहुंचाई जा रही है तो निश्चित रूप से पूरी टीम लगी हुई है मुझे तो आप सोचो ना चार महीनों में पहली बार मौका मिला है आपके सामने रूबरू होने का हम तो केवल वीडियो लेक्चर तक ही सीमित थे लेकिन ये आप सोचो ना के लेवल का उस लेवल का कंपटीशन भी आपके सामने रख आ रहे हैं हम और मे मेरी, मेरी जानकारी में जहाँ तक है मैं बता दूँ कि यूट्यूब की दुनिया का पहला ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ पर हमने प्रति क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन छः रुपये दिए हैं पिछले में। तो हम तो चाह रहे हैं कि पूरा राजस्थान एग्ज़ाम दे पूरा इंडिया एग्ज़ाम दे हमारे चैनल के ऊपर इतने आप सोचो कि हम सब्सक्राइबर का बार बार आपसे कहने का मेरा जो मीन है वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे वाच ऑवर कंप्लीट कर चुके हैं हम वॉच ओवर तो हमारा कंप्लीट है तो कभी भी वेन एवर वी वांट वी जस्ट वांट टू गो लाइव तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि 1000 सब्सक्राइबर तो हमारा ये आज का जो कॉन्टेस्ट चले तब तक आप वो कंपटीशन जो आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं तो आपका इतना सा सहयोग हमें चाहिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एन वीरा एजुकेशन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और जब समय शुरू होता है तभी आंसर दें पहले दिए गए आंसर के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन पढ़िएगा चूजिंग द करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंस अब करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये इसमें से ब्रेड एंड बटर इज होल फूड द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू इट Being a wet day, we kept इनडोर The cattle are grazing in the field. इसमें किसी एक सेंटेंस के अंदर एरर है वो ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिएगा ए में है बी में है कि सी में है कि डी में है एरर बहुत छोटा सा है बहुत छोटा सा है और ये आपको पढ़ाया जाता है वही जब इज आर एम पढ़ाया जाता है तो इज आर एम आई थिंक अपन पहली क्लास से ही शुरू कर देते हैं ही के साथ इज का प्रयोग होता है तो दुर्लभ है आपको क्लू मिल गया होगा फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो ये कमजोरी कहाँ रही है उस कमजोरी को हम दूर करने के लिए हमारे चैनल के ऊपर टोटल वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं सारे के सारे तो उसके लिए जरूरी है आपका हमारे चैनल पे होना तो होने के लिए फिर ज़रूरी है सब्सक्राइब करना बेल बटन को भी आप प्रेस करेंगे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है इन चारों में से कोई एक चीज़ गलत है वो कौन सी गलत है आपको समय मैं देता हूँ अब पढ़िएगा आपसे ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड छोटा सा एरर आपको नजर आ जाएगा कमेटी इज डिवाइडेड इट बीइंग अ वेट डे या फिर द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड समय समाप्त हुआ और आपका राइट right आंसर है दादा बी अब बी में गलती क्या है आपको मैं भी बता दूं जब कभी भी कोई कमेटी कोई टीम ये डिवाइडेड होती है देख तो यहाँ कमेटी इज डिवाइडेड की जगह कमेटी आर डिवाइडेड होगा तो आपका समय भी हम ले रहे हैं हम आपको इतनी प्रिपरेशन के साथ बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें मैंडेट्री होती है किसी भी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और वो मैंडेटरी चीज़ें यही है वॉच आवर एंड सब्सक्राइबर तो जो पूरी टीम लगी हुई है इतना मैं कह रहा हूँ ना बार बार रेयर रेयर दुर्लभ तैयारी करवा रहे हैं हम और इतना बेकअप सपोर्ट लेके चल रहे हैं हम कि हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया है हमारा और वो लॉन्च अब आप पब्लिकली हम तब तक नहीं देंगे जब तक कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंच नहीं जाते अगर किसी को हमारे ऐप के बारे में भी जानना है तो हमारे स्टूडियो में संपर्क करें ग्यारह स्टूडियो हैं तो किसी भी एक स्टूडियो में आपको ऐप इंस्टॉल करवा दिया जाएगा आपको आईडी पासवर्ड भी दे दिए जाएंगे और फिर जो ये सारी प्रिपरेशन आपके सामने यूट्यूब के ऊपर है तो इसके बैकअप में वीडियो लेक्चर भी होंगे पीडीएफ नोट्स भी होंगे वो सारे हमारे ऐप में मिलेंगे और अभी हम ऐप भी फ्री कर रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने जो क्वेश्चन आता आराम से पढ़िएगा आराम से रिकंस्ट्रक्शन करना है इस सेंटेंस को कि देर इज अ फैशन अ डेज क्वेश्चन समझिएगा पहले ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि करना क्या है इसमें देर इज अ फैशन अ डेज यहां से ये सेंटेंस शुरू हुआ है अ डेज अब यहाँ पे आपने देखो पी क्यू आर एस चार सेंटेंस दिए गए हैं तो इसमें थोड़ा सा सोचिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने समझने वाला है इसमें आपको देरीज फैशन नाव डेज इसमें बाद में कौन सा है जो पहले आएगा कि पहले एज एन ईविल आएगा कि हु इज बोर्न सिल्वर स्पून आएगा कि टू बी वेल पॉवर्टी आएगा कि एन टू पीटी द यंग मैन तो सीरीज कौन सी होगी पहले पी एस आर क्यू आएगा कि आर पी एस क्यू आएगा कि आर एस क्यू पी आएगा कि एस पी आर क्यू आएगा दो सो तुक मत लुगाइएगा समझिएगा इस क्वेश्चन को मैंने कहा ना दुर्लभ दुर्लभ क्वेश्चन है रेयर रेयर तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ये, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करने में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लगेगा और वो आपको आना चाहिए सेंटेंस री रिकॉर्डिंग तो अब ये भी हमारा सिक्स स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन तो आप सिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जब कंपटीशन लेवल के ऊपर रखा जाता है तो ये हो जाता है तो अब आप इसमें क्वेश्चन को फिर से समझिएगा देर इज अ फैशन नाव अ डेज आजकल एक फैशन बन चुका है अब इसमें जो चारों सीरीज दी गई है उनमें से पहले कौन सा आएगा जो नाव डेज के बाद आएगा जैसे नाव डेज के बाद में एज एन ईविल आ सकता है कि हु इज बोर्न आ सकता है कि टू बी वेल पॉवर्टी आ सकता है कि एन टू पी यंग आ सकता है थोड़ा सा सोचिएगा कौन सी सीरीज सबसे पहले आएगी और वो एक में ही आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर चाहिए और कुछ भी नहीं आप सोचिए मैं वापस से आपको रिपीट करवा के कह रहा हूं देर इज अ फैशन नाव अ डेज के आगे कौन सा मैच होगा वो एज एन इविल मैच होगा कि हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून होगा कि टू बी बी वेल पॉवर्टी होगा कि एंड होगा तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है और इसी में आंसर है समय शुरू करता हूं मैं आपका अब आप। फिर से सोचिएगा आंसर दीजिएगा आप सोचिए और समय पूरा होता है अब आप, आपका और इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने है बी अब यहाँ समझ लीजिएगा क्वेश्चन को क्योंकि आगे तीन प्रश्न आपके सामने फिर ऐसे कैसे आ सकते हैं तो आप उनको कैसे हल करेंगे एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में बस यही है कि आपका माइंड एकदम इंस्टेंट होना चाहिए और क्विक डिसीजन आपको लेना आना चाहिए तो उसके लिए है ना कन्फ्यूजन आपको कर देता अपन कन्फ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं अब इस क्वेश्चन को समझिएगा मैं वापस से समझा रहा हूँ आंसर आपका बी हो गया है लेकिन बी में क्या दिया हुआ है आर पी एस क्यू समझना देर इज अ फैशन ना अ डेज इसके बाद आएगा आपका टू बी वेल पॉवर्टी उसके बाद आएगा आपका पी तो पी में क्या है आपका एज एन इविल जो एक सामाजिक बुराई है उसके बाद आएगा आपका एस तो एस क्या है एन टू पीटी द यंग मैन और लास्ट में आपका क्या है क्यू तो क्यू हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून जिन्होंने चांदी के चम्मच के साथ जन्म लिया है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किशन को आराम से पढ़े टाइम हम पूरा दे रहे हैं आपको पढ़ने के बाद तुक्के नहीं लगाएं उसके बाद जो टाइम दिया जाता ना जब टाइम शुरू होता है उस समय आंसर दें एडवांस में दिए गए आंसर के ऊपर गौर बिल्कुल नहीं किया जाएगा चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं आपके सामने द सिमिलरिटी बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड अ मशीन इज रैदर सुपरफिशियल ओके अब करना क्या आपको क्वेश्चन नंबर एस वन में दिया गया है और दूसरा है एस टू द पॉइंट ऑफ डिफ्रेंस फॉर आउटवे द पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस इन दोनों एस वन और एस टू के बीच में कौन सी सीक्वेंस एकदम सटीक बैठेगी एस वन के बाद में कौन सी चीज आनी चाहिए क्या बियॉन्ड दैट कम्पेरिजन फेल आएगा या नो मशीन ग्रो इन साइज या नो मशीन सीज हियर्स और फील आएगा या इट कैन बी समड अप इन द स्टेटमेंट दैट बॉथ रिक्वायर फ्यूल एंड ऑक्सीजन ऑपटेन एनर्जी ओके फ्यूल एंड ऑक्सीजन एन नहीं आएगा या एंड की जगह आपको टू ऑप्टन एनर्जी है ये कोई बात नहीं टाइपिंग एरर है और लास्ट आपका एस है नो मशीन थिंग्स तो एस वन और एस टू के बीच में कौन सा क्वेश्चन सटीक बैठेगा ये आपको आंसर देना है तो ये आपका जो जोड़ा बनाया गया है क्यू एस पी आर या आर पी क्यू एस या आर पी एस क्यू या एस क्यू पी आर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज विंस लेकिन सॉल्ट ट्रिक कब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा जब आप इस लेवल की एजुकेशन लेंगे अब इस लेवल की एजुकेशन कहाँ उपलब्ध होगी वो एन एजुकेशन पे उपलब्ध होगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब वापस से पढ़िए मैं आपको बता रहा हूँ S1 और S2 के बीच में कौन सी सीक्वेंस, कौन सा पहले आएगा कि P वाला की Q वाला की R वाला की S वाला तो आपका समय शुरू होता है अब सोचिए आंसर दीजिए और इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम डायरेक्टली वीडियो लेक्चर इनके ऊपर भी पी नोट्स भी आपको इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे समय आपका पूरा हुआ और आपका सही आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है बी अब फिर से मैं कह रहा हूँ बी बी में क्या है आपका आर पी क्यू एस आर अब देखिए द सिमिलरिटी बिटवीन द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के बीच में और मशीन के बीच में जो समानता है वो बहुत दुर्लभ सुपरफिशियल है सरसरी अब सरसरी नजर से अगर देखें तो बी में पहला आया हुआ है आपका आर तो आर कहाँ से शुरू हुआ इट कैन बी सम इसका अपन संक्षेपण करें ना इन दैट स्टेटमेंट इस कथन का तो बहुत रिक्वायर मनुष्यों को भी जरूरत है मशीन को भी जरूरत है फ्यूल एंड ऑक्सीजन की एन ऑप्टेन एनर्जी यहाँ ऑप्टे एंड की जगह टू आएगा टू ऑपटेन एनर्जी एनर्जी प्राप्त करने के लिए मशीन को ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत है अब इसके आगे कौन सा आता है भाई कि पी आएगा पी का बी ऑन दैट कम्पेरिजन फेल्स और इसके आगे तुलना ही असफल हो जाती है तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया बी आर पी क्यू एस और ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत शानदार तरीके से हम बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने में तो कृपया हमारी मेहनत हमारी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए एनकरेजमेंट करने के लिए एप्रिसिएशन के लिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हर क्वेश्चन शानदार है अपने आप में आपका पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लो वन वर्ड है आपका वह व्यक्ति जो काम को कानून बना देता है पर्सन हु पर्सन हु ब्रिंक्स एन एक्शन एट लुक इसका वन वर्ड क्या होगा अब आप देखिए आपका पहला ऑप्शन है प्लेटिव लिट्टीजेंट डिपोनेंट या डिफेंडेंट इनमें से आपको आना चाहिए शब्दों के अर्थ आने चाहिए तो वकबलरी आपकी ओके okay, कब होगी जब आप इंग्लिस का जो फोबिया है वो डर है वो आप दूर भगाएंगे और इंग्लिस का फोबिया दूर करने के लिए दोस्तों एनवीरा एजुकेशन आपके साथ है फिर से पर्सन हु ब्रिंग्स एट एक्शन एट लो वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे समय मैंने आपका शुरू कर दिया है सोचिए सोचिए और तुक मत लगाइएगा बिल्कुल बिल्कुल तो आपका दोस्तों राइट right आंसर है ए प्लेंटिफ और इसका अर्थ क्या होता है कैसे इसका ये वन वर्ड बना ये सारी चीज़ें हमारे एनवीरा एजुकेशन के वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाली है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों गिफ्ट लेफ्ट बाय विल बड़ा छोटा सा चीज़ है ये गिफ्ट लेफ्ट बाय विल अब आपको गिफ्ट का लेफ्ट का बाई का और विल का अगर पता चले तो आप आस आप आंसर दे दो दोगे आपके ऑप्शन चार है एलिमोनी है पैट्रीमोनी है लिगेसी है और प्रॉपर्टी है बताइए इसका वन वर्ड क्या होगा गिफ्ट लेफ्ट बाय विल गिफ्ट का अर्थ भी आपको आता है लेफ्ट का अर्थ भी आता है बाई का भी आता है और विल का भी आता है बहुत सारे विल हेल्पिंग वर्ब भी है विल अपने आप में नाउन भी है तो आप बताइए विल का मॉडल के रूप में भी प्रयोग होता है तो ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट आपको कब समझ में आएगी जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके ऊपर दिए गए वीडियो लेक्चर को आप समझेंगे और प्रत्येक वीडियो लेक्चर यदि आपको अगर देखना भी है तो हमारे जो सपोर्टिव चैनल है एनवीरा स्कूल और एनवीरा ऑनलाइन स्कूल उन दोनों के ऊपर हमारे कंपटीशन लेवल के ग्रामर के पार्ट पड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं वो हमारे सपोर्टिव चैनल है तो चले आगे आपके सामने आपका ये फिफ्टीन क्वेश्चन है गिफ्ट लेफ्ट बाय विल का वन वर्ड क्या होगा आपका समय शुरू करता हूं मैं अब एलिमोनी होगा हो कि पैट्रीमोनी हो होगा लीगेसी होगा या प्रॉपर्टी होगा दोस्तों बता दीजिए बता दीजिए एडवांस में आंसर नहीं देवे आप लोग वो हमारे नगण्य होगा हम गिनेंगे नहीं तो आपका सही आंसर है सी लीगेसी अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगेसी बिल्कुल हम अपने चैनल पे सारे वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही ना ये हमारे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कुछ भी नहीं देखो एक स्पेलिंग लिखी हुई है ई एल बी एम ए जी और उसके नंबर लगे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब है क्या ये है क्या आपको इसको जंबल वर्ड कहते हैं शब्द बनाना मीनिंगफुल शब्द बनाना मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो मीनिंगफुल एल बी एम ए जी से कौन सा मीनिंगफुल शब्द बन सकता है और उस मीनिंगफुल शब्द की सीक्वेंस क्या होगी आप लगाइएगा यदि आपने रीजनिंग पढ़ी है तो यहाँ पे सीक्वेंस देखिएगा ए बी सी डी में ये ई एल बी एम ए जी इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और उस मीनिंगफुल वर्ड की सीक्वेंस क्या होगी आप देखिएगा यदि आप अगर ई e से कोई मीनिंग बना सकते हैं कि ई एल बी एम ए जी से बना सकते हैं क्या तो बनाइएगा और सीक्वेंस कौन सी होगी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने जब आंसर आएगा तो।, तो समय शुरू आपका अब आप देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मीनिंगफुल वर्ड बनाना आपको समय सीमा समाप्त हुई आपका सही आंसर है ए तो ए में क्या लिखा हुआ आप क्वेश्चन को समझिएगा सिक्स सिक्स में आपका जी फिर ए फिर फोर थ्री टू वन तो एकदम उल्टा लिखा हुआ जी ए एम बी एल ई गैम्बल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैम्बल ये आपको आता होगा जुआ कहते हैं जिसको तो दादा कंपटीशन लेवल है क्या कंपटीशन लेवल केवल आपके थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड की जो तैयारी है वही कंपटीशन लेवल है तो हम सारे कॉन्सेप्ट आपके जीरो लेवल से शुरू करा के कंपटीशन लेवल तक पहुंचाने वाले हैं तो उसके लिए आपका साथ भी ज़रूरी है कुछ चीज़ें मैंडेटरी है एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना तो मिलकर ही हम लोग साथ में चलेंगे स्क्रीन के ऊपर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप समझिएगा क्वेश्चन को फिर आंसर दीजिएगा यहां पे आपके प्रोवर्ब आइटम्स दी हुई है अक्लोज सेव वर्ड देखो सिंपल सा वर्ड है अक्लोज सेव इसका नियर अर्थ क्या होगा अ लक्की स्केप होगा कि अ क्लीन सेव होगा कि अ वेल गार्डेड सीक्रेट होगा कि नैरो स्केप होगा अक्लोज सेव का आप ये प्रोबैब भी है तो आप इसका आंसर ढूंढिएगा मैं आपका समय शुरू करता हूं दोस्तों अब सिंपल सा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है माइंड से अगर सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है क्लोद सेव का सही आंसर क्या होगा ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा देखते हैं क्या होगा आपका राइट आपका नेरो स्केप का मतलब क्या हो गया है अ क्लोज सेव ये बाइस वर्षा तीन एग्जाम के अंदर उल्टा आया हुआ है अ क्लोज सेव नीचे दिया गया ऊपर नेरो स्केप दे दिया गया जिसको अपन बाल बाल बचना कहते हैं तो चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से और वो क्वेश्चन है स्पेलिंग टेस्ट लेना है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है आप देखिए ए में एग्जाम्पल बी में एग्जाम्पल सी में एग्जाम्पल डी पे एग्जाम्पल तो सही कौन सा एग्जाम्पल है आपको ये तो पता लग गया होगा लेकिन अपन जानबूझ के गलतियां नहीं करते हैं जब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो गलतियां हो जाती है सिंपल सा क्वेश्चन है समय हो गया शुरू आपका अब देखते रहिएगा कि कौन सा मीनिंग सही है ये तो आप लोगों का थर्ड का बच्चा भी बता दे देगा इसका सिमिलर वर्ड इंस्टेंट होता है सॉरी इंस्टेंस उदाहरण कौन सा है सही आंसर है आपका सी <laughs> e -E, एक्स ए एम पी एल ई एग्जाम्पल यानी उदाहरण समझ गए आप और अपन कंपटीशन लेवल पे ये कंपटीशन लेवल का है आ, तो आपके सामने रखा गया है और आप समझ रहे हैं ना हम हर लेवल के 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ तो बीसों के 20 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से उठाए गए हैं अलग अलग टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मैच हुआ था आपका नौ क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन वापस से हमारे वीडियो आप रिवाइज करके देखेंगे उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन नया है और नए कॉन्सेप्ट वाला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों पढ़िए आराम से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है ही सेड टू हर मे यू सक्सीड ही सैड टू हर मे यू सक्सीड बदलिएगा आप सिक्स से लेकर टेंथ तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते आ रहे हैं सॉल कीजिएगा बहुत सिंपल सा आंसर है पहला होगा ही टोल्ड हर या ही प्रे टू गॉड या ही विज़ हर या ही सैड टू हर समय शुरू करता हूँ दोस्तों मैं अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर दिया जा सकता है यदि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको अपन नरेशन भी कहते हैं वो अगर तरीके से पढ़ा हो तो आपका आंसर मिल जाना चाहिए आपका राइट आंसर है सी अब थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं इस क्वेश्चन को ही विज्ड हर सक्सेस ये क्या होता है अपने को यही बताया जाता है कि जब सेट टू को इसमें बदलते हैं सेट टू को उसमें बदलते हैं लेकिन इसके पांच कॉन्सेप्ट और भी हैं वो भी समझिएगा तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आने वाले हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर आ, हमारे चैनल के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें आप तक कैसे पहुंचेगी हम कहीं अखबार न्यूज़ पैम्पलेट में नहीं आने वाले हैं हम हमारे एनवीरा एजुकेशन चैनल पे आने वाले हैं तो चैनल पे आने आते ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो उसके लिए ज़रूरी है आपका शेयर सब्सक्राइब और थमनेल को प्रेस करने का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों थैंक यू वेरी मच आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो संबल हमें मिल रहा है आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने हम लेके आएंगे तो शुरू करते हैं आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का मेरा लास्ट है ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो ये पहले इलेवेंथ ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट में हुआ करता था फिर उसको भी हटा दिया गया इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण करना है आपको ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो तो यहां आई डोंट नो ही मे बी इनोसेंट इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना क्या होता है वो भी मैं आपके सामने अवगत करा दूं कि जैसे राम इज ऑनेस्ट राम इज ऑनेस्ट इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको तो कैसे करेंगे तो राम इज नॉट डिसऑनेस्ट सिंपल समझ गए ना तो यहां पे ही मे बी इनोसेंट वो नादान हो सकता है ना समझ हो सकता है आई डोंट नो मुझे पता नहीं इसका ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा आई डाउट आएगा कि आई डोंट नो इफ आएगा कि दैट ही इज सही आंसर क्या होगा समय आपका शुरू होता है दोस्तों अब दीजिए आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का एक पार्ट है तो यहां पे आई डोंट नो को कैसे रिड्यूस करेंगे आप तो आपका सही आंसर है दोस्तों बी और बी में आया है ओनली बी तो यहाँ पर आएगा आई डोंट नो इफ इफ यहाँ पे ही मे बी की जगह ही इफ कंडीशनल सेंटेंस है आपका ये आपका समझिए ही आई डोंट नो इफ ही मे बी इनोसेंट क्लियर दोस्तों इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें हम बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन आपके सामने लेके आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू अब आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स के शानदार प्रश्न लेके आया हूं तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार है यह पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है एक रुपए दो रुपए एक रुपए के सिक्कों के रूप में आठ सौ बीस रुपये हैं यदि थेले में सिक्कों की संख्या का अनुपात चार अनुपात छ अनुपात नौ हो तो थे दो रुपए के सिक्कों की संख्या है और आपके चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 140 ऑप्शन बी 100 ऑप्शन सी है 80 या ऑप्शन डी है 120 और आपका समय शुरू होता है अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस टाइम के दरमियान दिया गया उत्तर ही मान्य होगा मैं आपको बार बार वापस बोल दूं इस टाइम के दरमियान दिया हुआ आंसर ही मान्य होगा अन्यथा आप अगर इससे पहले या इसके बाद जो आंसर देते हैं वो इस प्रश्न के लिए मान्य नहीं है और बहुत ही कम समय आपके पास है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न के साथ आंसर लिख के फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अन्यथा आपका आंसर मान्य नहीं है और आपके पास समय सात सेकंड लेफ्ट है जल्दी से पीछे आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका समय समाप्त और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120 इसका आंसर होगा तो चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर दो की ओर और, और प्रश्न नंबर दो आपके सामने इस प्रकार है एक परीक्षा में पैंतीस परसेंट विद्यार्थी अभ्यार्थी गणित में पच्चीस परसेंट अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यदि दस परसेंट गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं उनका आपको प्रतिशत बताना है ऑप्शन ए है आपका पचपन परसेंट ऑप्शन बी है सत्तावन परसेंट ऑप्शन सी है साठ परसेंट एंड ऑप्शन डी है पचास परसेंट और आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर को और अपने आईक्यू लेवल को चेक करें क्योंकि आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है आपका नॉलेज आगे इंक्रीज़ करने के लिए और आपने जो तैयारी की है उसको चेक करने के लिए क्या मैं अपने एग्जाम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे मैथमेटिक्स आती है वहाँ पर ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी या नहीं क्योंकि पटवार एग्ज़ाम में बहुत लेवल का प्रश्न ये पूछा जा चुका है आपके पास केवल दस सेकेंड आठ नौ जल्दी से अपना आंसर दीजिए और उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको अच्छी भी लग रही होगी तो आपका समय इसी के साथ समाप्त होता है और राइट आंसर है डी और इसी बीच आप लोगों के लिए कुछ दो लाइनें जो मैं बोलना चाहूंगा काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए सुनिएगा काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए चलो ऐसे कि निशान बन जाए अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं प्रश्न नंबर तीन की और शानदार प्रश्न सामने है। एक भिन्न के में 200 प्रतिशत और हर में 400 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है इसकी परिणामी भिन्न 21 बट्टा बीस है तो मूल भिन्न बताइए ऑप्शन ए सुनिएगा 6 बट्टा पांच ऑप्शन बी 3 बट्टा दो ऑप्शन सी सात बट्टा चार या ऑप्शन डी ग्यारह बट्टा दस और आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि आप लोगों को अपनी तैयारी परखने का इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और इसी के साथ पैसे जीतने का मौका बहुत अद्भुत चीज आपके सामने और बहुत जल्द हम और भी आप लोगों के लिए नई नई चीजें करेंगे बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा और कंटिन्यू बने रहोगे तो नो डाउट आप पैसा जीतने के साथ साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे और समय आपके पास केवल बहुत ही कम रहा है जल्दी से इसका आंसर दीजिए ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है इसी के साथ आपका समय समाप्त और सही आंसर है आपका सी तो चलते हैं तो चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर चार आपके सामने आ चुका है और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न है सोलह रुपए पर चार प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से अठारह रुपए पर साधारण ब्याज से तीस रुपए कम है प्रश्न बहुत शानदार है अच्छे से समझ लीजिएगा उधार दिए गए धन की समाअि है ऑप्शन ए है पांच वर्ष ऑप्शन बी है छः वर्ष ऑप्शन सी है चार वर्ष या ऑप्शन डी तीन वर्ष और आपका समय अब शुरू हो चुका है जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिए और प्रश्न संख्या लिख के फिर कमेंट दीजिएगा वही कमेंट मान्य होगा विशेष रूप से आपको बोल दूँ क्योंकि उससे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपका लेवल भी अच्छा बन सके क्योंकि एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद हैं और समय कम रहा है जल्दी से अपना आंसर दीजिए समय है आपके पास दस सेकेंड बचे हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए बी सी या डी और आपका समय समाप्त और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पांच वर्ष चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर छ की ओर सॉरी पांच की ओर और, और प्रश्न नंबर पांच आपके सामने है कोई धनराशि पांच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से छह वर्ष में दो हजार छह सौ तेरह रुपए हो जाती है तो समान दर से वो कितने समय में तीन हजार पंद्रह रुपए हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए है आपका दस वर्ष ऑप्शन नंबर बी है बीस वर्ष ऑप्शन सी है पांच वर्ष या ऑप्शन डी है पंद्रह वर्ष और समय आपका शुरू हो चुका है घड़ी उल्टी चलती है यह भी ध्यान दीजिएगा समय माइनस में जा रहा है जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न सहित लिख के कैसे आप कैसे कमेंट करने वाले हो आप ये लिखिएगा प्रश्न नंबर पांच और उसका आंसर मेरे लिए ये है और वो आपका कमेंट हम जल्दी से रीड करके बहुत जल्द विजेता की सूची भी हम जारी करेंगे इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपने उन मित्रों तक भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर करने से वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और कंपटीशन लेवल आप अपने मित्रों के बीच ही अपना कंपेयर कर सकते हो समय समाप्त हो चुका है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दस वर्ष और इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की ओर और, और प्रश्न नंबर छः आपके सामने एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज पर तेरह परसेंट वार्षिक में जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत की जब गिरावट होनी है हो जाती है होने पर भी उसकी वार्षिक आमदनी में एक सौ रुपए की कमी आ जाती है तो उसकी उधार दी गई पूंजी कितनी है ऑप्शन ए है छत्तीस हजार चार सौ ऑप्शन बी है बत्तीस हजार आठ सौ एंड ऑप्शन सी है बीस और ऑप्शन डी है चौतीस समय आपका शुरू इसी के साथ हो चुका है और जल्दी से राइट आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न के साथ लिख के दीजिएगा वही कमेंट मान्य होगा ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए और कमेंट सभी के भी नहीं जो पहले आप इस दौड़ में आपकी इस दौड़ में जो सबसे पहले आपका साथी कमेंट करेगा उसका कमेंट सही होगा उसका आंसर अगर सही है तो उसी को ये पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे क्योंकि हमने जो पहला क्विज कॉन्टेस्ट करवाया उसमें भी आपको वास्तविकता में प्रूफ के साथ हमने दिया था कि पेमेंट हो गया है इसका भी जरूर हो जाएगा तो प्रश्न नंबर छः और आपके पास समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बीस हजार आठ सौ और आगे वाले प्रश्न की ओर चलने से पहले आपके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं अच्छे से इस चीज को अपनी लाइफ में भी फॉलो करवाइएगा चलते हैं प्रश्न नंबर सात की ओर और, और सातवां प्रश्न है तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 सौ बत्तीस तो पहली का दूसरी से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात तीन अनुपात दो हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी ऑप्शन नंबर ए दस ऑप्शन नंबर बी ग्यारह ऑप्शन नंबर सी बारह या ऑप्शन नंबर डी चौदह और आपका समय अब समाप्त हो चुक सॉरी शुरू हुआ है जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं और आपके पीपाड़ परिक्षेत्र में यह ऐसी प्रतियोगिता बहुत शानदार प्रतियोगिता आपके लिए पहली बार आपको मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लें और अगर, अगर अब की बार इस प्रतियोगिता में अगर कोई पीछे रह जाए तो आगे वाली प्रतियोगिता में जरूर तैयार रहें और उसमें भाग लीजिएगा क्योंकि एनवीरा एजुकेशन आपके लिए जो कर रहा है वो यूनिक है यूट्यूब पर पहली बार है तो जल्दी से आप अपना एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिए सवाल लिख के कि ये प्रश्न नंबर सात और ये आंसर है और आपका समय समाप्त और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बारह दूसरी संख्या होगी आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और कंटिन्यू जरूर देखिएगा क्योंकि और भी आगे बहुत सारे सब्जेक्ट जो आने वाले हैं उनका भी क्विज आप लोगों के लिए होगा प्रश्न नंबर आठ है यह भी पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या उन दोनों का अनुपात पांच अनुपात दो है यदि छात्राओं की संख्या साठ बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात चार अनुपात तीन रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए ऑप्शन ए पाँच सौ ऑप्शन बी चार सौ ऑप्शन सी 506 सौ या ऑप्शन डी चार और समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्रश्न के साथ अपना आंसर लिखें ताकि आंसर को हम काउंट करें और आपको भी आपका जो टाइम आप हमारे लिए दे रहे हो कीमती समय आपका भी है उस कीमती समय में आप कुछ ना कुछ यहाँ से अर्जित करके जाओ हम भी यही आशा करते हैं तो इसलिए आप लोग इस टाइम के दरमियान जिस नियम के तहत आपको आंसर लिखने को बोला जा रहा है वही आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो प्रश्न का ऑप्शन ए पाँच सौ छिहत्तर ऑप्शन बी चार सौ छियानवे ऑप्शन सी पाँच सौ छः या ऑप्शन डी चार सौ सासठ और तीन सेकंड पीछे बचे हैं इसी के साथ आपका समय समाप्त और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चार सौ सासठ चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर नौ की और, और, और भी शानदार प्रश्न कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और अनुपात से रिलेटेड प्रश्न आया है प्रश्न है यदि ए अनुपात बी चार अनुपात पाँच B अनुपात सी 20 अनुपात 11 और सी अनुपात डी अनुपात सात हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा ऑप्शन ए पचास अनुपात सितर अनुपात सासठ अनुपात सितर ऑप्शन बी अड़तालीस साठ 33 या सितर चारों का अनुपात है ऑप्शन सी है 80 अनुपात सौ अनुपात चालीस अनुपात सासठ या ऑप्शन डी है छियानवे 120, सौ या सितर और आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और पेन पेंसिल लेके जो भी है आप जिससे भी आप अपना टेस्ट दे रहे हो वो प्रैक्टिस के लिए भी साथ में लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100% परसेंट ये एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है संख्याएं चेंज हो सकती है प्रश्न की लैंग्वेज यही रहने वाली है इसलिए इन प्रश्नों को लिख भी लीजिएगा और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश करिएगा कंटिन्यू जुड़े रहिएगा साथ में और इसी के साथ आपका समय बहुत कम बचा है प्रश्न सामने और समय है पाँच सेकंड का जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें समय समाप्त और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छियानवे अनुपात एक अनुपात सासठ अनुपात, अनुपात सितहत्तर इसी के साथ बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर दस की ओर और अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और चलते हैं दसवां प्रश्न आपके सामने है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां एक तथा ऊंचाई बी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बहुत शानदार प्रश्न क्षेत्र मिति से रिलेटेड है ऑप्शन ए है एक बट्टा दो ए बी ऑप्शन बी है एक बट्टा दो बी रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन सी है एक बट्टा दो रूट ए स्क्वायर प्लस बी ऑप्शन सी है सॉरी डी है ए बी और समय शुरू हो चुका है जल्दी से एंसर समय के दरमियान ही आपका मान्य है इसलिए इस समय के दरमियान ही अपना उत्तर दीजिएगा और अच्छे से अपने इस प्रश्न को नोटबुक में भी बाद में लिख लीजिएगा वीडियो अच्छे से बाद में देखोगे तो भी हंड्रेड परसेंट आपको आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वृद्धि करने का यहां से आपको मिलेगा एनवीरा प्लेटफॉर्म से आप कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित करके जाओगे ये हंड्रेड परसेंट मैं बोल रहा हूं और जी के हो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो साइंस हो कोई भी हो सारे प्रश्न बड़े ही शानदार और बहुत ही विश्लेषण के बाद आपके सामने ये प्रश्न आए हैं तो ये प्रश्न आप जरूर अच्छे से लिख लीजिएगा और इसी के साथ इसका समय समाप्त और राइट आंसर है आपका ए एक बट्टा दो ए बी और प्रश्न नंबर ग्यारह की तरफ बढ़ने बढ़ने से पहले आपके लिए दो लाइनें फिर पेश हैं मेरी तरफ से संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर जग हसा है उसने जरूर इतिहास रचा है उसने जरूर इतिहास रचा है तो इन लाइनों को अपने जहन में रखिएगा और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ और प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है एक आयताकार चतुर्भुज ए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए है आपका बी रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑप्शन बी बी स्मॉल बी है ध्यान दीजिएगा रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑप्शन सी बी रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है बी सी सब स्मॉल में है टाइम आपका शुरू हो चुका है और घड़ी माइनस में चल रही है इस घड़ी को अपने जिंदगी में अगर जोड़ लो वैसे समय का सही सदुपयोग होना ही चाहिए हर चीज़ सही समय रहते हो तो बड़ा ही उसका मज़ा आता है सफलता सही समय रहते मिल जाए तो उसका मज़ा और भी बेहतरीन होता है इसलिए आप इस कॉन्टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और आगे आने वाले कॉन्टेस्ट में भी जरूर आप पार्टिसिपेट करें क्योंकि वो और भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपके सामने होगा और समय आपका निकल रहा है जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिख कर फिर आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा और समय समाप्त हो चुका है राइट आंसर है आपका बी बी रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपसे उम्मीद हमेशा ही मैं करता हूं आपको ये चीजें अच्छी लग रही होगी तो चलते हैं प्रश्न नंबर बारह की ओर से वेरी मस्ट क्वेश्चन एक आयताकार चतुर्भुज के दो टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वो दो वर्गाकार चतुर्भुजों में विभाजित होता है यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा स्मोल हो तो आयताकार चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई होगी ऑप्शन ए टू ए ऑप्शन बी रूट तीन ए ऑप्शन सी दो रूट दो ए रूट के अंदर ए है और दो भी अंदर है ऑप्शन डी रूट पांच है समय आपका शुरू हो चुका है और इस समय के दरमियान ही उत्तर दीजिएगा उत्तर जरूर आपको बार बार जो चीज़ बोली जा रही है उसको फॉलो करें उत्तर आप अपने प्रश्न को लिख के फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के आप कमेंट करिएगा जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का आंसर मान्य होगा जो पहले सबसे पहले आंसर देगा उसी का आंसर मान्य होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम के दरमियान जो उत्तर देगा वही व्यक्ति अपने इस विजेता सूची में शामिल होगा तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा है जल्दी से अपना उत्तर दीजिए और तीन दो एक और इसी के साथ आपका समय समाप्त राइट आंसर है आपका डी रूट पांच, ए बार है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर तेरह और आपके सामने पटवार जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर 2015 में पूछा जा चुका है बड़ा ही सरल प्रश्न है अगर आप प्रैक्टिस करो तो प्रश्न नंबर तेरह एक घड़ी को एक रुपए में बेचने पर 10 परसेंट की हानि होती है उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15 परसेंट का लाभ हो ऑप्शन ए अठारह रुपए ऑप्शन बी 1850 ऑप्शन सी अठारह सौ या ऑप्शन डी 1860 इसी के साथ समय आपका शुरू होता है और इस समय का सदुपयोग करें समय का सदुपयोग करें बार बार ये चीजें बोल रहा हूं और अगर लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना है तो समय रहते हर चीज को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा समय कम बचा है इस प्रश्न को हल करने का जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर प्रश्न के साथ आंसर दोगे वही आंसर मान्य होगा इसलिए आप अपने आंसर को सही तरीके से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा और समय बहुत कम बचा है जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए चार तीन दो एक समय समाप्त और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अठारह सौ चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर उस इसी बीच आपके लिए कुछ दो लाइनें भी मैं बोलना चाहूंगा लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता बर्फ पानी तक हौसला बनाए रखिए प्रश्न भी आपके सामने है समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्योंकि समय आपको मैंने पहले दे दिया है इसलिए आपका समय अब समाप्त होने की ओर है तीस सेकंड बचे हैं जल्दी से उत्तर दीजिए इस प्रश्न का और उत्तर जो पहले देगा उसी का आंसर मान्य होगा ऑप्शन ए बी सी और डी ये टंकी और नल से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से प्रश्न का उत्तर दीजिए तभी तो मजा आएगा क्योंकि तैयारी आप अपनी तैयारी पे बहुत शानदार और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से हासिल करके जाओगे 100 परसेंट वादा है कंटिन्यू बने रहिएगा और आगे भी जुड़े हमारे साथ इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर डी 18 तो चलते हैं आगे वाले प्रश्न नंबर पंद्रह की ओर और, और प्रश्न नंबर पंद्रह आपके सामने 2015 पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है विमल और अरुण की आयु का अनुपात तीन अनुपात पांच है उसकी आयु का योग अस्सी वर्ष है दस वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा ऑप्शन ए दो अनुपात तीन ऑप्शन बी एक अनुपात दो ऑप्शन सी तीन अनुपात दो या ऑप्शन डी तीन अनुपात पाँच समय आपका शुरू हो चुका है और मैं हमेशा उम्मीद करता हूं वो उम्मीद तो आपसे हंड्रेड परसेंट करूँगा जल्दी से इसे अपने मित्रों तक शेयर करें नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और आप हमें सपोर्ट इसी प्रकार बनाइए रखिएगा क्योंकि आप हर वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और जो सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए हुए हैं वो कंटिन्यू बनाए रखिएगा क्योंकि हर यहाँ पर आपको जो मिला है या आगे मिलेगा वो हंड्रेड परसेंट आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ शानदार चीज़ मिलेगी और मिल भी रही है तो आपका इस प्रश्न में समय बहुत कम बचा है जल्दी आंसर दीजिए और दो एक समय समाप्त और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दो अनुपात तीन आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं प्रश्न नंबर सोलह और अच्छे से देखिएगा एक बयालीस सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार आकृति बनाई जाती है तो वर्गाकार आकृति की भुजा होगी ऑप्शन ए सासठ सेंटीमीटर ऑप्शन बी चौसठ सेंटीमीटर ऑप्शन सी बहत्तर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी अड़सठ सेंटीमीटर एंड आपका समय अब स्टार्ट हो चुका है और इस समय शुरू होने के बाद जो दिया गया उत्तर है वही मान्य है ये विशेष रूप से दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा क्योंकि फिर आप ये ना कहें कि सर मैंने उत्तर दिया और आपने हमारा आंसर माना नहीं उसका रीज़न आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों नहीं माना जा रहा है क्योंकि समय के पहले या बाद में आप उत्तर दोगे तो वैलिड नहीं है और आंसर प्रश्न लिख के फिर ही देवें अन्यथा वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी आपका उत्तर दिया हुआ भी वेल वेल्यूबल नहीं होगा इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा लास्ट बचे हैं चार सेकंड तीन दो एक और इसी के साथ समय समाप्त और ऑप्शन नंबर ए सासठ सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है तो आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों तक शेयर करना है और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऑप्शन सॉरी सत्रवा प्रश्न और पटवार प्री 2015 में पूछा जा चुका है एक वर्ग की प्रत्येक बुझा में 50 परसेंट की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी सुनिएगा ऑप्शन ए 100 प्रतिशत ऑप्शन बी 125 परसेंट या ऑप्शन सी डेढ़ सौ परसेंट एंड ऑप्शन डी 225 परसेंट समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और 100% परसेंट आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एनवीरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है 100% परसेंट वादे के साथ जल्दी से इसका आंसर दीजिए आपके पास मात्र 21 सेकंड बचे हैं और जल्दी से आंसर के माध्यम से अपने आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से जल्दी से दीजिएगा लास्ट आपके पास दस सेकेंड बचे हैं तो आपके आंसर को तभी वैलिड माना जाएगा जब आंसर प्रश्न के साथ आएगा तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी में है 125 परसेंट चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर उससे पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है बड़ी गहरी चीज है लेकिन अपने जीवन में इन्हें फॉलो कर लीजिएगा और प्रश्न आपके सामने ये रहा तीन वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु अठारह वर्ष थी सी के साथ मिलने पर औसत आयु बाईस वर्ष हो जाती है तो सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है ऑप्शन ए चौबीस ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी अट्ठाइस एंड ऑप्शन डी तेईस वर्ष एंड आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या के साथ लिख के कमेंट के माध्यम से कमेंट बताइएगा अन्यथा आपको पता है कमेंट फिर वो वैलिड नहीं रहेगा जल्दी से आंसर दीजिए सत्ताईस सेकंड आपके पास बचे हैं और मैं उम्मीद हंड्रेड परसेंट आप लोगों से कर ही सकता हूँ कि कुछ आप अच्छा यहाँ से अर्जित करके जाइए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें पंद्रह सेकंड, चौदह तेरह बहुत कम समय बचा है और जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दीजिए तो इसी के साथ पाँच चार तीन दो एक और समय समाप्त राइट आंसर है आपका एक चौबीस वर्ष तो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर ये है आपका उन्नीस पटवार 2011 में ये बेहतरीन सवाल आ चुका है प्रश्न है एक थेले में एक रुपए पचास पैसे दस पैसे के सिक्कों का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात आठ है यदि इस थेले में कुल रुपए एक सौ हो तो दस पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए ऑप्शन ए एक सौ बीस ऑप्शन बी एक सौ चालीस ऑप्शन सी एक सौ साठ एंड ऑप्शन डी एक सौ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें टाइम आपका शुरू हो चुका है क्योंकि आप लोग जो एक चीज़ और आपका जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है वो ज़रूर बनाए रखें नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत जल्द और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी जल्दी कीजिए अपने आंसर को दीजिए जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा दस सेकेंड आपके लिए बचे हैं और आठ सात छः पाँच चार तीन दो और एक समय समाप्त और इसी के साथ इसका आंसर भी सुन लीजिए राइट आंसर है सी 160 सिक्कों की संख्या होगी आपको एक चीज़ बता दूँ इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको सिक्कों की संख्या यानी आपको क्या दो चीज़ें मिलती हैं सिक्कों के मान मिलते हैं और मूल्यों के अंदर मिलते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले आपके लिए कुछ दो लाइनें सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना ये लाइनें भी बहुत शानदार हैं तो आगे वाले प्रश्न नंबर लास्ट है आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न नंबर बीस यदि ए अनुपात बी तीन अनुपात चार तथा बी अनुपात सी आठ अनुपात नो हो तो ए अनुपात सी का मान होगा ऑप्शन ए एक अनुपात दो ऑप्शन बी है तीन अनुपात दो ऑप्शन सी एक अनुपात तीन एंड ऑप्शन डी दो अनुपात तीन समय आपका शुरू हो चुका है जल्दी से कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और समय बहुत कम बचा है तीस सेकेंड और जल्दी से उत्तर दीजिए और आपकी जो तैयारी चल रही है जिस भी एग्जाम की उसके लिए मैं हमेशा आपको अच्छी शुभकामनाएँ दे रहा दे रहा हूँ अच्छे से उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपका समय चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ समय कम बचा है प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से पाँच चार तीन दो एक और समय समाप्त और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी